सो हेलो रिवान एंड गुड मॉर्निंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे एक बार कन्फर्म करेंगे मेरी वॉइस सारी चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया और हम लोग का स्टैटिक जीके का ये टॉपिक नंबर आज थर्ड रहेगा फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया सेकंड टॉपिक था हमारा फोक डांसेस ऑफ इंडिया और आज थर्ड टॉपिक है हम लोगों का जिसमें कि हम लोग सारे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया देखने वाले हैं ठीक है एक बार कन्फर्म करिए कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं गुड मॉर्निंग पूज पूजा अनिशा ऋषि आनंद राहुल पुनीत विकास तूफान का देवता दीपाली निकिता सभी को गुड मॉर्निंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड दैट इज़ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करें फिर कल के नोट्स नहीं अपलोड अच्छा अभी अपलोड नहीं हुए क्या सर अच्छा मनीष स्वामी चलो तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कुछ प्रॉब्लम हो रखी है जहाँ से मैं क्लास लेता हूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इस वजह से मुझे कहीं और से क्लास लेनी पड़ती है इसी वजह से थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो जाता है तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए हो सकता है कि आ, आगे से जो आने वाली क्लासेज है वो इवनिंग के टाइम पर आपको मिला करें बाकी उसको रिगार्डिंग उसके उसको लेकर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर भी ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया और जिस तरह हम लोगों ने क्लासिकल डांसेस देखे थे फोक डांसेस देखे थे विद ट्रिक जिससे कि हमें क्लास के क्लास में याद हो गए थे और उसके बाद हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे क्लास के एंड में और वो हमने सारे टॉपिक्स में किए हुए हैं ना ना सिर्फ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं बल्कि सभी टॉपिक्स में और राइट right? तो इस टॉपिक में भी हम लोग पहले आ, सारे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया मेजर जो हमारे सभी स्टेट्स के हैं जो आपके इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम परसपेक्टिव से वैसे फेस्टिवल्स तो ढेरों हैं लेकिन जो एग्ज़ाम परसपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे ऑल राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्योंकि सबसे पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के यहाँ पे चार फेस्टिवल्स हमें याद कर रहे हैं एक तो है पोंगल दूसरा है दुर्गाम्मा तीसरा है ये लामा यात्रा और चौथा है उगाड़ी पोंगल दुर्गाम्मा ये लामा यात्रा और उगाड़ी ये चार फेस्टिवल हमें याद रखने हैं अब इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अम्मा जी जो थी हमारी वो गाड़ी पे यात्रा में गई थीं और जब से वो गई हैं तब से वो पागल हो गई हैं तो अम्मा से यहाँ पे आप दुर्गा याद कर सकते हैं ठीक है अम्मा से दुर्गा याद कर सकते हैं गाड़ी से यहाँ पे उगाड़ी हो जाएगा एंड लेट मी टेल यू कि उगाड़ी जो है वो न्यू ईयर का फेस्टिवल है ठीक है न्यू ईयर के फेस्टिवल है जहाँ पे मैं वैसे तो चलो नहीं होगा तो मैं लास्ट में समराइज़ कर दूंगा कि कौन कौन से न्यू ईयर के फेस्टिवल है और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं कहाँ के हैं ये न्यू ईयर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ न्यू ईयर अलग से पूछे जाते हैं थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो न्यू ईयर के फेस्टिवल है तो जो उगाड़ी है वो आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर का फेस्टिवल ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो अम्मा से दुर्ग अम्मा गाड़ी से आपका उगाड़ी यात्रा से हो जाएगा यल्लामा यात्रा ठीक है यल्लामा यात्रा ठीक है यह लामा यात्रा और पागल से हो जाएगा पोंगल ठीक है एंड अगेन रिपीट कोई दिल पे नहीं लेगा किसी भी ट्रिक को यहां पे ट्रिक बड़ी मुश्किल से बनती है और मेन यहां पे उद्देश्य ये होता है कि वो ट्रिक बनाई जाए जो तुरंत याद हो जाए जिससे आपको सारे हैं ठीक है तो दिल पे कोई नहीं लेगा पोंगल की अगर बात करें तो पोंगल एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये हारवेस्ट फेस्टिवल है और पोंगल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोंगल में पोंगल एक डिश बनती है बहुत ही फेमस डिश है साउथ इंडिया में पोंगल और पोंगल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू बॉयल ये सीजीएल दो में प्रिलिम्स ये जो टीयर वन होता है उसमें पूछा गया था पोंगल का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब टू बॉयल होता है ठीक है उबालना और उबाल के ही वो डिश पोंगल की बनती है और ये इट इज ऑब्जर्व इन द फर्स्ट मंथ ऑफ थाई जो तमिल कैलेंडर में जो पहला महीना होता है थाई उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल को और पोंगल यूजुअली चार प्रकार का होता है मतलब होता है तो तीन के रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है बट कहीं कहीं पे चौथा टाइप भी सेलिब्रेट कर देते हैं चार टाइप का होता है एक तो होता है भोगी पोंगल ठीक है भोगी पोंगल सूर्य पोंगल मट्टू पोंगल एंड कनुम पोंगल ठीक है भोगी पोंगल सूर्य पोंगल मट्टू पोंगल और कनुम पोंगल यूजली ये तीन पोंगल ही से, सेलिब्रेट होते हैं बट चौथा पोंगल भी कहीं कहीं पे सेलिब्रेट कर लिया जाता है कनुम पोंगल तो ये चीज़ आपको आंध्र प्रदेश में पता होनी चाहिए सिर्फ चार फेस्टिवल हमें याद करने की जरूरत है पोंगल दुर्गम्मा यल्लामा जा और उगाडी उगाडी न्यू ईयर फेस्टिवल है जो पोंगल है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है इसका मतलब टू बॉल होता है तमिल कैलेंडर का जो पहला महीना होता है थाई उसमें सेलिब्रेट किया जाता है भोग यानी जो कि जनवरी फेबररी में जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग जैन फेब के टाइम पर यह पड़ता है ठीक है और चार प्रकार का होता है भोगी पोंगल सूर्य पोंगल मट्टू पोंगल और कानूम पोंगल ठीक है तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स आपको याद हो गए अब आते हैं असम के फेस्टिवल्स पे तो ये हैं कुछ असम के फेस्टिवल बिहू बाइक हो दहिंग पटकाई अली अली गांग अम्बूबाची मजूली आ, और रोंग तो इसको याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक है वो ट्रिक है कि असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के इतना मारा कि उसको रंगीन कर दिया ठीक है इस तरह से आपको याद करना है कि असम की बहू ने बाई को ये बाइक के नहीं होगा बाइक को होगा कि बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया मतलब पटक पटक के रंगीन का मतलब क्या होता है जैसे हमारे यहाँ पे कानपुर में लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि इतना मारेंगे कि मार मार के तुमको रंगीन कर देंगे है ना इतना मारेंगे कि रंगीन कर देंगे तो वैसे ही असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया क्योंकि उसको अली के अबू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था ठीक है तो असम से यहाँ पे असम हो जाएगा बहू से बिहू हो जाएगा बहू से बिहू हो जाएगा ठीक है अभी बिहू के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे बिकॉज बिहू तीन टाइप का होता है तीन तरह का होता है और ये एक डांस भी होता है ठीक है इसको एक एज अ डांस भी मनाया जाता है तो बिहू फेस्टिवल भी होता है और डांस भी होता है हम पहले भी देख चुके हैं एज़ अ डांस भी इसको बाइकों से हो जाएगा बाइक फेस्टिवल ठीक है बाइकओ से हो जाएगा बाइक फेस्टिवल और पटक से हो जाएगा देह पटक पटक से हो जाएगा दहेंग पटकाई ठीक है पटक पटक से हो जाएगा दहेंग पटकाई रंगीन से अगर बात करें तो रंगीन से हो जाएगा रॉन्ग केयर रॉन्ग केयर हो जाएगा ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है रंगीन से रॉन्ग केयर ठीक है और कर दिया क्योंकि उसको अली के अबू के साथ अली से हो जाएगा अली गांग, ठीक है अली लिगांग ठीक है अली अली गांग और अबू से हो जाएगा बाची फेस्टिवल ठीक है अंबूबाची अम्बू बाची और ये ध्यान रखना जो अम्बूबाछी फेस्टिवल है ये कामाख्या देवी जी का जो मंदिर है कामाख्या टेम्पल में वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है मजूली से हो जाएगा मजूली फेस्टिवल बस हो गया असम असंस, से असम बहू से बिहू बाइकों से बाइको फेस्टिवल और बाइकों भी याद रखना और यहाँ पे एक और बाईसागू भी दोनों याद रख लेना बाइकों से बाई बाइकों और बायसागू दोनों आपको याद करने हैं ठीक है पटक पटक से हो जाएगा दहिंग पटकाई रंगीन से हो जाएगा रोंग केर ठीक है रोंग केर और ये रॉन्ग कर जो है अभी हम देखेंगे एक ट्राइब है वहाँ की असम की उसको सेलिब्रेट करती है ठीक है मिकिर ट्राइब ठीक है मिकिर भी और कहीं कहीं पर रेगमा ट्राइब ठीक कर दिया क्योंकि उसको अली अली से अली अली गांग अब्बू से अम्बूबाछी फेस्टिवल मजूली से मजूली फेस्टिवल खत्म हो गए सारे असम के फेस्टिवल अब बिहू को लेके कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए कि बिहू हमारा तीन टाइप्स का होता है बिहू जो हमारा तीन तीन प्रकार का होता है एक तो होता है हमारा बुहाग बिहू ठीक है बोहाग बिहू होता है एक होता है माघ बिहू और एक होता है काटी बिहू जो मा बोहाग बिहू होता है ये बैसाखी के टाइम पे बैसाख के टाइम पे बैसाख कब होता है हमारा अप्रैल में अभी आपको मैं जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके जो मंथ है इंग्लिश मंथ के कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए कि भाई चैत्र क्या होता है आषाढ़ क्या होता है सावन क्या होता है भाद्रपद क्या होता है ये सारे आपको पता होने चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब इसको भी मैं लिखवा दूंगा आपको अलग से लेकिन अभी के लिए बैसाख होता है आपका अप्रैल के टाइम पर ठीक है तो बैसाख के टाइम पे बोहाग वाला सेलिब्रेट होता है और बोहाग बिहू को हम और एक नाम से जानते हैं और वो है रंगाली बिहू ठीक है इसको हम रंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं माघ बिहू को अगर हम बात करें तो माघ के महीने में यानी कि जनवरी के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जैन मंथ में ठीक है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इसको या तो पहले मैं लग देता हूँ क्योंकि ऊपर रंगाली लिखा है तो यहीं पे साथ में लिख लो कि इसको भोगाली बिहू बोलते हैं ठीक है ठीके? भोगाली बिहू और ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है ठीक और काटी बिहू की अगर बात करें तो ये कार्तिक जो महीना होता है कार्तिक कब होता है अक्टूबर के टाइम पे जो अभी पिछला महीना क्या कार्तिक ठीक है और इसको हम काटी बिहू के नाम से भी जानते हैं या फिर कंगाली बिहू काटी तो लिखा ही लिखी दिया मैंने कंगाली बिहू ठीक है रंगाली भोगाली और कंगाली इसमें से जो भोगाली होता है इसको हम न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ऐसे याद रखिए कि न्यू ईयर में नए साल में एकदम भोकाल बनाते हैं ना हम लोग तो भोगाल भोगाल ठीक है भोगाली माघ बिहू तो बिहू तीन टाइप का होता है ये डांस भी है और हमारा फेस्टिवल भी है और रॉन्ग केयर ये सारी चीज़ें रॉन्ग केयर में ट्राइब भी लिख लो यहाँ पे मिकिर रेगमा और करबी जो ट्राइब होती है करबी अच्छा मैंने आपको बताया था हम लोग ने पढ़ा था कि जो मेघालयन प्लेटिव होता है है ना हम लोगों ने पढ़ा था ना मेघालय में गारो खासी जयतियाँ हैं इनको कलेक्टिवली मेघालयन प्लेटिव करबी अंगलोंग प्लेटिव बोल देते हैं ना सिर्फ मेघालयन प्लेटिव को बल्कि ये गारो खासी जयंती हैं आगे अगर हम बढ़ते हैं तो असम में हमें मिकिर और रेगमा मिलती हैं मिकिर और रेगमा इन सबको कलेक्टिवली मेघालय और ये पूरा जो प्लेटिव है असम में जो कि हमारा पेनिस्लर प्लेट्यू यानी प्रायदीपी पठार का ही एक हिस्सा है उसको हम करबी अंगलोंग प्लेट्यू बोल देते हैं तो यहाँ पे करबी ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है इस रॉन्ग केयर को तो हमारे असम के भी खत्म हो गए आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको देखते हैं ठीक है सर अच्छा भी इसके भी करा दो इसी में अभी आएगा ना दरोगा पप्पू सिंह कहा है इतना मचल रहा अभी रुक जाओ आगे आएगा ना सर कैन आई टेक योर बैच फॉर सी सी जे सिविल इंजीनियरिंग एक बार उसका देख लेना कैसा क्या जीके आता है बाकी आई होप सभी सेम ही आता है ठीक है चलो भोगाल बनाने के लिए कंगाल हो जाते हैं बिल्कुल अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं उनको देखते हैं तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं अरुणाचल प्रदेश के सांगकेन सोलुंग ड्री चालो चालो लोकू लोसार मोपिन और पांगसाओ ठीक है अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है याद करने की ट्रिक है अरुणा क्या तेरे संग सोलू इस ट्री के नीचे तो अरुणा ने बोला चलो सर मेरी पिन पकड़ो और पास आओ इस तरह से ट्रिक है कोई दिल पे नहीं लेगा बस ये है कि हमें याद होना चाहिए और इसको आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं ठीक है ऐसी ट्रिक है अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश तेरे संग ठीक है संग से क्या हो जाएगा सोंकेन फेस्टिवल ठीक है सोलू से हो जाएगा सोलुंग फेस्टिवल ट्री से हो जाएगा ड्री फेस्टिवल ठीक है चलो सर सर से हो जाएगा लोसर फेस्टिवल अब लोसर जो है ये डिफरेंट स्टेट में जैसे कि हमने डांसेस में देखा था वो डिफरेंट स्टेट में होते हैं डांसेस वैसे फेस्टिवल भी एक फेस्टिवल डिफरेंट स्टेट में हो सकता है ऐसे लोसर अरुणाचल में है सिक्किम में भी सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में भी एज अ न्यू ईयर इसको मनाया जाता है तो ऐसा नहीं कि लोसर सिर्फ आ, कुछ पर्टिकुलर जगह तक हाँ जो हिमालयन रीजनस है ना हमारे जैसे कि लद्दाखी वो रीजन हो गया सिक्किम अरुणाचल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इसको ठीक है तो लोसर एक न्यू ईयर फेस्टिवल भी है के तौर पर सेलिब्रेट करती है जो

है ना बढ़िया गजब की ट्रिक अब दिल पे आप ले लेंगे तो लेते रहिए फिर आप दिल में ठीक है अरुणा से अरुणाचल प्रदेश संग से सांगकेन फेस्टिवल सोलों से सोलुंग फेस्टिवल ट्री से ड्री फेस्टिवल चलो से चलो लोकू फेस्टिवल सर से लो सर फेस्टिवल मे, मेरी पिन से मोपिन पास आओ से पाँच साओ खत्म हो गए ठीक है अब आते हैं बिहार में नहीं तो आप इनको याद करते बैठे रहिए आप पूरे हफ्ते पर याद करेंगे तो फिर भी आप कभी ना कभी जाके भूल ही जाएंगे इनको कुछ टाइम बाद लेकिन अभी अगर ये ट्रिक याद रही आपको कभी नहीं भूलने वाले जीवन भर फेस्टिवल ऑफ बिहार अब आते हैं बिहार के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं तो बिहार के फेस्टिवल हैं छठ सामा चकेवा बिहुला सोनपुर कैटल फेयर राजगीर फेस्टिवल और सलहेश फेस्टिवल ये कहा के फेस्टिवल हैं कहां के त्यौहार हैं ये हैं आपके बिहार के फेस्टिवल और इसको याद करने की ट्रिक कुछ इस तरह से है शाम को छत पे बहु ला शैलेस मतलब ऐसे शैलेश के पापा जी बोल रहे हैं या फिर कोई बोला रहा की मम्मी जी बोल रही हैं कि बहू अंदर ही रहती है पूरे दिन उसको शाम को के शाम के टाइम छत पे ले आया करो ठीक है तो शाम को छत पे या फिर शैलेश शाम को छत पे बहूला ठीक है तो शैलेश से सैलहेश फेस्टिवल बहूला से बिहूला फेस्टिवल बिहू असम का है बिहुला बिहुला बिहार का है ठीक है छत पे से हो जाएगा छठ पूजा जो होती है शाम को से हो जाएगा सामा चकेवा ठीक है और राजगीर को भी इसी में फिट बिठा सकते हैं है ना कुछ ऐसे राजा करके गिर करके है ना नहीं तो वो छत से गिर जाएगी ऐसे करके तो राजगीर फेस्टिवल तो सारे फेस्टिवल अब सारे तो नहीं बोलूंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट आते हैं आपके एग्जाम में वो है यहाँ पे तो छठ है सामा चकेवा बेहूला है सोनपुर कैटल फेयर है राजगीर है और सलेश है तो कैसे याद करेंगे सैलेश शाम को छत पे बहुला खत्म आगे बढ़ते हैं एक एक ट्रिक में सारे फेस्टिवल खत्म हो रहे हैं हमारे फेस्टिवल्स सिर्फ छत्तीसगढ़ पे आते हैं ठीक है छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल हैं पोला मडई हरेली गोंचा करमा और बस्तर बस्तर दशहरा ये फेस्टिवल हैं कहाँ के छत्तीसगढ़ के अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग इसको याद ऐसे करेंगे इस ट्रिक से कि छत्तीस मड़ई सोचा अब मड़ई जो है ना अब पता नहीं आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं हमारे गाँव में आदमी को मड़ई बोलते हैं मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आजकल क्या कैसा कैसा आदमी पड़ा हुआ है तो जैसे आदमी को मड़ई बोलते हैं हमारे यहाँ पे पता नहीं तुम्हारे यहाँ बोलते हैं नहीं बोलते हैं। लेकिन आज से तुम इसको याद कर लो कि आदमी को मड़ई बोलते हैं ठीक है तो छत्तीस मड़ई है वो पहले सोचा और फिर बोला कि हवेली में बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे कुछ कुछ ट्रिक के हो सकते हैं एकदम इलॉजिकल सी ट्रिक हो मतलब थोड़ी सी इलॉजिकल टाइप ट्रिक लग रही हो लेकिन अब क्या करें ठीक है और किसी को भी अगर ये बोलना है कि सर ये ट्रिक में मजा नहीं आया तो ये तभी बोलिएगा जब आपके पास इससे अच्छी ट्रिक हो मैं खुद चाहता हूँ कि आप इससे अच्छी ट्रिक लिखें कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई रिकॉर्डेड भी देख रहा है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं आपको बोलने का अधिकार है लेकिन तभी जब आपको आप इससे अच्छी ट्रिक आपके पास है तो ठीक है अगर आपको लगता है अब सही नहीं है आप टाइम लीजिए बनाइए और कमेंट में लिखिए तब आपको पता चलेगा कितना टाइम लगता है ठीक है तो क्योंकि और भी काफ़ी ट्रिक आती हैं दिमाग में लेकिन थोड़ा सा आपका भी ख्याल रखना होता है ना कुछ लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना होता है तो छत्तीस से छत्तीसगढ़ यह हो गया मड़ई से मड़ई हो गया मड़ई से मड़ई हो गया सोंचा से गोंचा त... हो गया ठीक है बोला से पोला हो गया बोला से पोला हो गया ठीक है पोला फेस्टिवल हवेली से हरेली फेस्टिवल हो गया हवेली से हरेली फेस्टिवल हो गया बस्ता से बस्तर दशहरा फेस्टिवल हो गया सीजल 2023 में पूछा गया ठीक है बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे तो बस्ता दशहरा से दोनों हो गया बस्तर दशहरा ठीक है याद हो गया हवेली से हरेली हो गया और गोंचा सोचा से गोंचा हो गया और ऐसे कर्मा भी फिट बिठा लो क्योंकि कर्मा और भी डिफरेंट स्टेट में होता है झारखंड में भी होता है ठीक है कर्मा तो ध्यान रखना कर्मा मतलब कि छत्तीस मड़ई सोचा और फिर बोला कि कर्म नहीं करेंगे हवेली में बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे ठीक है बस्ते में क्या हुए पटाखे भरे हुए हैं ऐसे करके इमेजिन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ को ठीक है अब आते हैं अगले स्टेट स्टेटमेंट दैट इज गुजरात गुजरात के फेस्टिवल है मोढ़ेरा माधवपुर फेस्टिवल रन उत्सव शमलाजी मेलो और वौथ मेला मोधेरा माधवपुर रन उत्सव श्यामलाजी मेलो और वोध मेला ये होते हैं हमारे होते तो वैसे दुर्गा पूजा भी है लेकिन आई थिंक वो सबको पता होगा है ना दुर्गा पूजा भी यहां पे होती है चलिए तो अगर हम बात करें ट्रिक क्या है इसकी तो ट्रिक है शर्मा जी माधव से रन कर रहे हैं शर्मा जी से हो जाएगा श्यामला जी ठीक है श्यामला जी माधव से हो जाएगा माधवपुर ठीक है माधवपुर और माधव से याद कर सकते हैं मोधेरा भी माधवपुर और मोधेरा ठीक है और रण से याद कर सकते हैं रण उत्सव ठीक है और वॉत में ऐसा कुछ फिट बना सकते हैं कि शर्मा जी माधव से करवा चौथ पे ठीक है करवा चौथ पे रन कर रहे हैं ठीक है करवा चौथ पे रन कर रहे हैं तो शर्मा जी से श्यामला जी मतलब कोई दिल पे नहीं लेगा यहाँ पे शर्मा जी अगर कोई होंगे तो ठीक है सिर्फ ट्रिक का मेन मकसद है कि आपको याद होनी चाहिए चाहिए तो शर्मा जी से शामला जी माधव से माधवपुर और मधेरा करवा चौथ चौथ से वोथ ठीक है क्यों रन कर रहे हैं करवा चौथ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए अपना दिमाग लगाइए ठीक है बताने की ज़रूरत नहीं है और रन जो है रन से रन उत्सव याद हो गए सारे ठीक है गुजरात के भी आगे बढ़ते हैं आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा अब आते हैं गोवा पे गोवा के डांसेस देखे जाएँ अभी थोड़ा लेट हो गई कोई नहीं दुर्गा पूजा वेस्ट दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में भी होती है अभी वो देखेंगे ठीक है दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में भी होती है ठीक है पौला बैशाख दुर्गा पूजा <laughs> दिमाग में लो दिल में नहीं बिल्कुल मोडेरा स्टेडियम भी है बिल्कुल मोडेरा सन टेंपल भी है मोडेरा सन टेंपल भी है अब आते हैं गोवा के फेस्टिवल देखते हैं शिगमो साओ जाओ सनबर्न कार्निवल फीसट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ग्रेप स्कपेड बॉन्ड्रम थ्री किंग्स अब मुझे बताओ साओ जाओ याद करवाने की ज़रूरत है क्या नहीं है क्यों क्योंकि मैंने गोवा के आपको डांसेस याद करवाए हैं वहाँ पे हमने देखा था मांडवी को मांडवी जो गोवा गई थी पतंग देखने घोड़े गाड़ी देखने फिर उसको बोला था सो जाओ है ना फिर कल गाँव जाना है इस तरह से हमने देखा था तो साओ जाओ तो आपको पता गोवा का है अब बाकी के लिए देख लो ट्रिक क्या है तो थ्री किंग्स एक स्टोरी है तीन राजाओं की तीन राजा थे थ्री किंग्स वो गोवा गए क्यों क्योंकि वहाँ गोवा में लोग लो ज़्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं तो वहाँ पे चर्च में गए और राजा लोग हैं भाई चर्च वर्च में जाएंगे सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च वहाँ पे क्योंकि ग्रेप्स चढ़ाए जाते हैं अंगूर चढ़ाए जाते हैं चर्च में तो लोग कुछ ग्रेप्स लिए अब उनको जब ग्रेप्स वो सब पूजा वूजा कर लिए चर्च में तो उन्होंने लग, लगा चलो घूम लेते हैं बीच ईच में कार नहीं मिली एक तो कार नहीं मिली ऊपर बाहर खड़े खड़े सनबर्न हो गया धूप से वो जल गए उनकी स्किन में सनबर्न होने लगा तो बोलते हैं इसलिए दे एड लेट्स को चलो अब चलते हैं यहां पे मजा नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि कार नहीं मिली तो थ्री किंग्स से हो गया थ्री किंग्स फेस्टिवल खत्म गोवा से गोवा ठीक है सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च मतलब चर्च का नाम लग रहा है ना बट ये <coughs> क्या है सेंट सेंट फ्रांसिस जेवियर ये सेंट फ्रांसिस फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये हो जाएगा आपका फेस्टिवल hmm. ग्रेप्स से हो जाएगा ग्रेप एस्केपेड ग्रेप एस्केपेड कार नहीं से हो जाएगा कार्निवल गोवा में जो कार्निवल होता है फेबर के टाइम पे होता है बड़ा मजा आता जाता है ठीक है गया नहीं हूँ सुना है बस ठीक है सनबर्न सिलेक्शन आपका हो जाएगा साथ में चलेंगे वहाँ पे ठीक है सनबर्न सनबर्न से सनबर्न अब मुझे सीजियल जो खेड जो टॉपर्स हैं भी जो टॉपर्स के रूप में एमर्ज होने वाले हैं ऑलमोस्ट अब तो खैर वो सब कुछ पता ही चल गया है बस रैंक आने की देर है तो वो बोल रहे हैं कि सर आपने वादा किया था कि एक मीटअप रखेंगे ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है टॉपर्स के द्वारा कि सर मीटअप रखिए मीटअप रखिए देखते हैं कुछ ठीक है तो सनबर्न सनबर्न से सनबर्न फेस्टिवल हो गया एंड लेट्स गो से हो जाएगा शिगमो लेट्स गो शिगमो ठीक है सारे याद हो गए हमें शिगमो साउथ जाओ पहले से आता सनबर्न कार नहीं मिली कार्निवल सेंट फ्रांसिस जेवर की चर्च थी गोवा में ग्रेप ग्रेप लिए थे वहां चढ़ाने के लिए ठीक है ग्रेप्स चढ़ते हैं चर्च में और बोर्ड्रम हो गया अच्छा हाँ नहीं याद हो ना तो बोन्ड्रम का यहां पे मैं लिखना भूल गया इस तरह से याद करिए कि क्योंकि उनको कार नहीं मिली सनबर्न सनबर्न हो, हो गया तो वो बोर हो गया उनको बोर्डम हो गया हम बोलते ना बोर्डम बोर्डम ठीक है तो उनको बोर्डम हो गया मतलब बोर हो गए तो उन्होंने बोला इसलिए सेट दे सेट लेट्स गो तो बोर्डम से हो गया बॉन्ड्रम सिंपल क्या कोई डिफिकल्टी हुई गोवा कितने सारे फेस्टिवल को याद करने में एक स्टोरी और सारे याद हो गए ठीक है और आपको फिर भी अगर कॉन्फिडेंस ना रहो आंख बंद करिए उसको पूरा दिमाग में चलाइए और अपने आप याद हो जाएगा वो आपको करना पड़ेगा खुद से बाकी तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तो देखना कि कितनी यूजफुल है ये ट्रिक्स ठीक है चलिए और ये सब ट्रिक का पर्पस यही है कि आपका टाइम बचाया जाए और लंबे समय तक याद रहे अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल देखते हैं हल्दा साजो मिंजर पोरी सैर फुलईच हल्दा ये क्या है सॉरी हल्दा दो बार हो गया सॉरी तो हल्दा साजो मिंजर पोरी सैर फुलईच ये फेस्टिवल है हमारे हिमाचल प्रदेश के तो इसको इस तरह से याद करेंगे हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो क्यों क्योंकि कलिंजर के जो किंग है कलिजर के जो राजा हैं वो देखने आ रहे हैं उसको तो हिम से हो जाएगा हिमाचल हिमाचल प्रदेश परी से हो जाएगा परी से हो जाएगा पोरी फेस्टिवल पोरी फेस्टिवल हल्दी से हो जाएगा हल्दा फेस्टिवल हल्दा ठीक है फूल से हो जाएगा फुलइच फेस्टिवल फूलइच फेस्टिवल सजा दो से हो जाएगा साजो फेस्टिवल साजो फेस्टिवल और कलिंजर से हो जाएगा मिंजर या फिर कलिंजर के राजा की जगह अगर आप कुछ और फिट बैठा सकते हैं जिससे मिंजर याद हो जाए तो अपने अकॉर्डिंग बिठा लीजिए मेरे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने कलिंजर यहाँ पे फिट बिठा दिया तो हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो कलिंजर के राजा आ रहे हैं ठीक है तो हिम से हिमाचल परी से पोरी हल्दी से हल्दा फूल से फुलइच सजा दो से साजो और कलिंजर से मिंजर खत्म आगे बढ़ते हैं और हिमाचल के डांस कैसे याद किए थे नाटा छोरा धवन जो सांड पे बैठ के सांड पे बैठ के क्या कर रहा है छपा छप -च्छप कर रहा है तीसरे हम लोगों ने इसी तरह देखा ना कि जगह छम होगा डांस में ठीक है नाटा से नाटी डांस धम आ, अमन से धमन डांस है ना इस तरह से हम लोगों ने सारे डांसेस याद किए थे और हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे कैसे याद हो गया ये हमारे फेस्टिवल्स कि हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो क्योंकि कलींजर के राजा आ रहे हैं उसको देखने अब आते हैं हरियाणा के फेस्टिवल्स देखते हैं हरियाणा के सूरज कुंड फेस्टिवल जो कि एक मेला टाइप लगता है कहाँ पर फरीदाबाद में जो लोग हरियाणा से होंगे जानते होंगे काफ़ी बढ़िया लगता है फरीदाबाद कल हम लोगों ने जो डेली पुलिस का सेट कर रहे थे जहाँ पे मैं पी वाई क्यूज ही लेके आता हूँ तो वहाँ पे हमने देखा भी था ये क्वेश्चन आया था कल है ना पिंजौर फेस्टिवल है गग्गा नौमी और गंगौर है याद कैसे रखेंगे सूरज की पिन गग्गा में गुम हो गई सॉरी गंगा में गुम हो गई तो सूरज से सूरज कुंड ठीक है सूरज से हो जाएगा सूरज कुंड फेस्टिवल और पिन से हो जाएगा पिंजौर फेस्टिवल ठीक है पिन से हो जाएगा पिंजौर फेस्टिवल गंगा से हो जाएगा गंगौर फेस्टिवल गंगा से हो जाएगा गंगौर फेस्टिवल और गुम से हो जाएगा गुग्गा फेस्टिवल नौमी फेस्टिवल गुग्गा तो सूरज की पिन जो है वो गंगा में गुम हो गई खत्म याद हो गए हरियाणा के भी अब आते हैं झारखंड के यहां तक किसी कोई डाउट कोई क्वेरी कुछ किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं पहुंची है अगर हो तो बता सकता है आ, अनिल कुमार ट्रिक्स का पूरा आंकड़ा दे रहे हैं देखो अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो ना कि हम मैंने ट्रिक ट्रिक रोने की ऐसे लालसा जग रही हो कोई बात नहीं ट्रिक मैंडेटरी थोड़ी ना ऐसा थोड़ी ना से सिन पूछा कि जो आ, परमार सर ने जो ट्रिक बताई है वही आपको बताओ वो हमें ट्रिक बताओ कौन सी बताइए ऐसा तो वो है नहीं या फिर किसी की भी ट्रिक नहीं पूछेगा आराम से सीधा याद करो इनको क्या दिक्कत है ट्रिक का काहे लोड लेना मैं तो सीधे बोल रहा हूँ ट्रिक का काहे ही इतना बोझ उठाना सीधे इनका बोझ उठाओ सूरज कुंड सीधे सीधे रट्टा मारो इसका हल्दा साजो मिंजर पोरी सैर फलैच सीधे रट्टा मारो क्यों ट्रिक का बोझ उठाना ट्रिक तो इतनी सारी हैं ये फेस्टिवल तो बस इक्का दुक्का ही है ना ठीक है तो कोई लोड नहीं लेना है ट्रिक का चलो तो झारखंड पे जिन लोगों को अगर ऐसा आ रहा है ठीक है जो कुछ इक्का दुक्का लोग मुझे पता है बीच में कमेंट में ओवर स्मार्ट बनने के लिए कुछ ऐसा करते रहते हैं बीच में तो झारखंड पे आते हैं अभी झारखंड के फेस्टिवल हैं सरहुल करम जावा सोहराई भागता परब रोहिणी और तुसु पूब ये हमारे झारखंड के फेस्टिवल अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जो झारखंड से लोग हैं उनको ट्रिक की थोड़ी ना जरूरत है उनको तो पहले से पता होगा सरहुल करम जावा सबके बारे में पता होगा तो उनको थोड़ी ना ट्रिक के बारे में जरूरत है जहां पर आपको लगता है वहां पर यूज़ करो ठीक है मेरा काम है ट्रिक देना अब आपकी मर्जी है लेना ना लेना अब आते हैं झारखंड में सारे तो ये ट्रिक क्या है रोहिणी का भागता सोहर उसको थोड़ी सी अजीब टाइप है लेकिन अब कोई ट्रिक बन नहीं रही थी यही ट्रिक बन रही थी तो मैंने सोचा चलो अब याद तो करना ही है रोहिणी का भागता सोहर उसको सुसू लगी ठीक है उसने ये कर्म सरहद पर कर दिया ठीक है उसने एक कर्म जो है सरहद पर कर दिया तो रोहिणी से हो जाएगा रोहिणी फेस्टिवल ठीक है और ये इस ये इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सोइंग फेस्टिवल ऑफ सोइंग है ये सोइंग मतलब जब बुआई के टाइम पे ये फेस्टिवल होता है रोहिणी भागता सोहर भागता से हो जाएगा भागता परब ठीक है भागता परब सोहर से हो जाएगा सोहराई फेस्टिवल ये सोहराई फेस्टिवल सुसु से और सोहरा सोहर से ही आप कर सकते हैं या चलो वो नहीं होगा तो सरहद से कर लेंगे उसको सुसु से हो जाएगा तुस्सू ठीक है सुसु से हो जाएगा तुस्सू फेस्टिवल जिसको तुस्सू पर्व बोलते हैं और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है विंटर्स के टाइम पे हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये वो सोइंग फेस्टिवल है रोहिणी और ये तुस्सू आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है करम से ये आपका करम फेस्टिवल सरहद से हो जाएगा सरहुल फेस्टिवल ये सरहुल फेस्टिवल में साल ट्री होता है एक साल का पेड़ होता है जो कि डेसीडू ऐस यानी जो उष्ठ कटिबंधी पढ़ वन होते हैं उनमें देखने को मिलता है साल ट्री उसकी पूजा करी जाती है इसमें ठीक है यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें साल टी में जब नई पत्तियां आती हैं नई पत्तियां है कब आती है स्प्रिंग सीजन में तो जो स्प्रिंग सीजन होता है ना जो मार्च वगैरह के टाइम पे उस टाइम पे यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल ठीक है और जवा में क्या होता है कि जो Uh, मतलब अनमैरिड विमेन uh, होती हैं या अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो इस पर्टिकुलर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं जवा को ठीक है चलिए अभी आते हैं कर्नाटका के फेस्टिवल्स को देखते हैं कर्नाटका के हम्पी कंबाला महामद से अभिषेक पट्टा टक्कल कैलपोद गॉम्बी हब्बा गौरी हब्बा उगाडी एंड करगा अब देखिए उगाडी हम लोगों ने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में भी उगाडी आ गया है कर्नाटका में भी है ना सुपर से ऊपर वाले नेचर्स कॉल बिल्कुल नेचर्स कॉल आ गया ठीक है चलो कोई नहीं अब सौहर जी को नीचे से कॉल आया तो कहीं तो करेंगे ही तो उन्होंने सरहद पर जाकर कर दिया क्योंकि भाग रहे थे ना पाकिस्तान की तरफ ठीक है तो वहीं सरहद पर कर दिया चलो कोई नहीं अब ट्रिक देख लेते हैं इसकी ट्रिक है हमारा काम वाला अभिषेक अब जितने अभिषेक हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे प्यार से है ना कोई बुरा नहीं मानेगा हमारा काम वाला अभिषेक कल अपने अब्बा के साथ गाड़ी करके आया था ठीक हमारा से हो जाएगा हम्पी हमारा से हो जाएगा हम्पी और हम पी फेस्टिवल जो है इसको विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसको हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं अभिषेक से हो जाएगा महा अभिषेक महामत्स्य अभिषेक और ये अभिषेक जो है ये कर्नाटका के श्रवण बेलगोला श्रवण बेलगोला में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ठीक जो हमारे महाबली हैं बाहुबली जी हैं उनकी प्रतिमा में बहुत सारा दूध घी ये सब चढ़ाया जाता है कहाँ पर श्रवण बेलगोला कर्नाटका में महामत्स्य अभिषेक ठीक अब्बा से हो जाएगा अ, अब्बा से हो जाएगा आपका ये गौरी हब्बा और गोम्पी हब्बा ठीक है ये दोनों अब्बा हो जाएंगे अब्बा से ये दोनों हब्बा हो जाएंगे गोम्बी हब्बा और गौरी हब्बा हब्बा दिखे तो मतलब कर्नाटका होगा गाड़ी से आपका उगाड़ी होगा अब उगाड़ी अगेन ये न्यू ईयर फेस्टिवल है न्यू ईयर फेस्टिवल जो कि चैत्र के महीने में अप्रैल मार्च अप्रैल के महीने मनाया जाएगा और एक चीज ध्यान रखना अभी चलो उस पर आते हैं न्यू ईयर पे और करके से हो जाएगा करगा फेस्टिवल ठीक है करके से हो जाएगा करगा फेस्टिवल और कोई बचा और कोई बचा पट्टा डक्कल और कैल पौध तो कल ये जो कल दिख रहा है कल से कैल पौध और पट्टा डक्कल ठीक है यहाँ पे बहुत सारे एरो बन चुके हैं इसलिए थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए कल से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से कल से क्या हो जाएगा कल से पट्टा डक्कल ठीक है पट्टा डक्कल इसमें भी कल आ रहा है तो और कैल पौध में भी कला आ रहा है ठीक है याद हो गया और उगाड़ी क्या है हमारा एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि चैत्र के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है अब बढ़ते हैं आगे अब आते हैं केरला पे केरला के इतने सारे ढेर सारे आप अब देखो यहाँ पे थ्रेसुरपुरम विशु थेयम मरट्टू अट्टूकल पोंगल पेनकुनी वल्लम कल्ली बोट रेस ओणम मकरविलाकू निशान गांधी गुरुवायूर अब आपको क्या लगता है बिना ट्रिक के याद हो पाएंगे हो पाएंगे तो बिल्कुल याद करिए नहीं हो पाएंगे तो देखिए फिर ट्रिक ट्रिक कुछ इस तरह से है पूरन एंड वासु दो लड़के हैं या फिर दो लड़के और एक लड़की हैं पूरन वासु और निशा ये तीनों पेन में हैं दर्द में क्यों दर्द में कुछ हुआ होगा कुछ कष्टदायी हुआ होगा क्योंकि ये बोट रेस हार गए मकर संक्रांति के दिन रेस कहां पे होती है केरल में होती है ठीक है तो रेस हार गए मकर संक्रांति के दिन तो पूरन से हो जाएगा ठीक है से हो जाएगा ठीक है पूरम फेस्टिवल हो जाएगा वासु से हो जाएगा विशु फेस्टिवल और ये जो विशु फेस्टिवल है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है केरल में न्यू ईयर फेस्टिवल है कहां पे केरल में तो इसको मलयाली न्यू ईयर भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये जो होता है केरल के लोग इनको मलयालम मलयाली लोग बोलते हैं ठीक है और यहाँ जो होते हैं तमिलनाडु उनको मद्रासी बोलते हैं तो मद्रासी न्यू ईयर भी हम देखेंगे पुथांडू होता है पुथांडू तमिलनाडु का ठीक है और केरल का होता है विशु न्यू ईयर फेस्टिवल है तो ये भी चैत्र के महीने में होगा सारे चैत्र के महीने में होंगे जो न्यू ईयर वाले हैं ठीक है आपको दिमाग नहीं लगाने निशा से हो जाएगा निशान गांधी निशा निशा गांधी पता नहीं आई थिंक ये अभी सी पी ओ या टेनओ में आया अभी लेटेस्ट में ठीक है निशा निशा गांधी फेस्टिवल ठीक है दे से हो जाएगा तेयम फेस्टिवल फेस्टिवल हो जाएगा इससे ठीक है आर से हो जाएगा आर से हो जाएगा अरट्टू फेस्टिवल आर से अरट्टू फेस्टिवल पेन से हो जाएगा पेन कुनी फेस्टिवल ठीक है पेन कुनी फेस्टिवल बिकॉज दे लॉस्ट तो दे से अगेन यहाँ पे आप तेयम कर सकते हैं अगर उसमें तेयम नहीं करना है इसमें तेयम कर सकते हैं ठीक है और बोट रेस से हो जाएगा वल्लम कल्ली बोट रेस ठीक है बोट रेस से क्या हो जाएगा वल्लम, कल्ली बोट रेस ठीक और मकर संक्रांति से हो जाएगा मकर विलाकू फेस्टिवल ठीक है मकर विलाकू फेस्टिवल अब देखिए ओनम बच गया ना तो ओनम भी कहीं ना कहीं ट्रिक में लगा होगा फिट बैठा होगा ओन क्योंकि पक्का एकदम सॉलिड ट्रिक बनी हुई है ठीक है ओनम ओन से हो गया ओनम खत्म ठीक है और ओनम के टाइम पे ही हम अगर बात करें तो आपका न्यू ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बताइए और हाँ एक बार ये भी एक ओनम फेस्टिवल ये कब मतलब सेलिब्रेट किया था किस टाइम पे तो सितंबर महीने के टाइम पे कोई बताएगा हिंदी में कौन सा महीना पड़ेगा है? तो जेठ आता है, पहले सावन ठीक है जेठ सावन आता है सावन कब होता है जुलाई अगस्त और फिर उसके बाद सितंबर में आषाढ़ आता है तो इसको हम बोलते हैं ठीक है आषाढ़ तो ओणम आपका इस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है किसी को यहां तक कोई डाउट और सर पेनकुनी फेस्टिवल किस टेंपल पेनकुनी फेस्टिवल पेनकुनी आपका होता है श्री पद्मनाभा स्वामी टेंपल में ठीक है श्री पद्माना भा स्वामी टेम्पल में ठीक है और ये भी आपका मार्च अप्रैल के टाइम पे होता है एक सेकेंड चलिए यहां अब बढ़ते हैं आगे अब आते हैं अगले स्टेटमेंट दैट इज़ ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के हमारे फेस्टिवल्स हैं लोक रंग ठीक है लोक रंग खजुराहो भगोरिया हाट गंगौर रसनवा घडल्या बुधान पंचमढ़ी तानसेन और चेतियागिरी तो कितने सारे फेस्टिवल है यहाँ पे भी बहुत सारे है ना तो अब इनको कैसे याद करेंगे इसको याद करने की ट्रिक है ये कि तानसेन जी से आपने बोला ठीक है तानसेन पहले बात तो अभी हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं हम लोग पढ़ेंगे कि जो तानसेन थे उनका नाम रामतनु पांडे था असल में और वो ग्वालियर घराने में ग्वालियर घराने फिर रीवा घराने से बिलोंग करते थे चाहे ग्वालियर हो चाहे रीवा हो कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में पढ़ता है तो तानसेन जी मध्य प्रदेश के थे राइट तो अब जो तानसेन जी हैं उनसे कहा किसी ने उनसे उन्होंने किसी ने कहा कि घड़ा बजाते रहते हो आप ठीक ठीक है है बिकॉज म्यूजिशियन थे तो वैसे तो गाते थे बट मान लो कि वो वो म्यूजिशियन थे 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 तो तो घड़ा घड़ा भी बजाते थे, बजा बजा गाते तो उनसे किसी ने कहा कि घड़े में रंग लगा के अगर आपको अपनी आवाज बहुत अच्छी करनी है तो एक काम करो घड़े में रंग लगा के खजूर का रस डाल के उसमें नागमणि रखना एक और गंगा के एकदम बीच में गंगा के एकदम बीच में गिरा के भाग आओ जल्दी से ये बोला किसी ने तानसेन जी तो से तो तानसेन से तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हो जाएगा घड़े से हो जाएगा घड़लिया फेस्टिवल ठीक है घड़े से हो जाएगा फेस्टिवल रंग से हो जाएगा लोक रंग फेस्टिवल ठीक खजूर से हो जाएगा खजुराहो खजूर से हो जाएगा खजुराहो रस से हो जाएगा रसना है। रसनवा ठीक रसनवा है रसनावा आपका ठीक है नागमणी से हो जाएगा पंचमणी नागमणी से हो जाएगा पंचमणी फेस्टिवल गंगा कहाँ गया गंगा से भी कुछ ना कुछ होगा गंगा से है गंगौर फेस्टिवल और ये चीज ध्यान रखना कि जो गंगौर है वो सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि राजस्थान में भी होता है अभी देखेंगे ठीक है राजस्थान में भी होता है गंगौर तो अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो पक्का राजस्थान होगा तो गंगा से गंगौर हो गया मध्य मद्द से मध्य प्रदेश हो गया गिरा से भी कुछ ना कुछ होगा पक्का ये होगा इसे चेतिया गिरी ठीक है चेतियागिरी जो फेस्टिवल ये है ना चेतियागिरी इसका पूरा नाम है चेतियागिरी विहार और जो लोग हिस्ट्री थोड़े पढ़े होंगे अभी तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया लेकिन अगर जिन लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत तो बुद्धिस्ट जो है बुद्धिस्ट में बुद्धिज्म में चैत्य होता है विहार होता है चैत्य वो जगह होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं ठीक है वोशिप करते हैं विहार वो जगह होती है जहां पे वो लोग रहते हैं तो ये जो फेस्टिवल है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है आपको पता है यहां पे सांची स्तूपा भी है मध्य प्रदेश में वहां ये थोड़ा सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और भागाव से हो जाएगा भगोरिया हाट भागाव से हो जाएगा भगोरिया हाट ठीक है कोई बचा एक बच गया बस पीर बुधान को भी कुछ फिट बिठा लो कि बूढ़े तानसेन जी हैं बूढ़े तानसेन जी हैं ठीक है बूढ़े तानसेन जी से जिसे किसी ने बोला कि घड़े में रंग लगा के खजूर का रस डाल के नागमणी रख के गंगा के मध्य में गिरा दो और भाग आओ जल्दी से वहां से ठीक है इस तरह से हमारे जो मध्य प्रदेश के फेस्टिवल हैं वो भी याद हो गए अब बढ़ते हैं आगे हम्म चलो सर आपका जीके कोर्स फॉर सी यूपीओ के लिए सफिशेंट है Sufficient, sufficient आप बोलते हैं चलो ये सारे डाउट्स ना लास्ट में पूछा करो अभी नहीं जो इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो वो पूछा करो आप ठीक है चलो अब आते हैं मणिपुर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं तो ये मणिपुर के हैं डोल जात्रा लई हरोबा कंग यात्रा चेरी ब्लॉसम लुगाइनी गंग नगाई और हेरकू हिंडोंगबा कितने अजीब अजीब से नाम है लेकिन सभी आपको याद हो जाएंगे अभी तो मनी आते ही जैसे किसी के हाथ में पैसा आता है तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे मेरे पास थोड़ी सी मनी आई थोड़ा पैसा आया तो मैं लाई ले आया था जाके ले आया था ना तो लाई हरोबा हमने देखा तो उससे लाई हरोबा डांस भी होता है है ना मैंने आपको स्टोरी बताई थी वो ब्राउन राइस केक वाली है ना तो मनी आते ही एक लड़की है तो वो अपने संग छोटी सी छोटी सी लड़की है तो मनी जैसे जैसे उसको मिली वो डॉल लाई अपने लिए चेरी लाई और हिंडन में नहाई पहले क्या करे उसने एक छोटी सी लड़की है मनी आते ही डॉल ले आई अपने लिए गुड़िया चेरी लाई थोड़ी सी खाने के लिए छोटे बच्चे चेरीज वगैरह बहुत खाते हैं और हिंडन आपको पता है हिंडन नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी जरा कॉमेंट बताएंगे और लाज रख लेना मेरी ज्योग्राफी की ठीक है क्योंकि ज्योग्राफी हो चुकी है हम लोग की तो मनी से हो जाएगा मणिपुर संघ से हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ तो होगा हाँ संघ से हो जाएगा याओशांग श्यांग अब यावशांग जो फेस्टिवल है इसको हम डोल यात्रा के नाम से भी जानते हैं तो इसी वजह से मैंने संग और डॉल को साथ रखा है डॉल और संग संग है एक दोनों के तो संग से यौशांग हो जाएगा और डॉल से डॉल यात्रा हो जाएगा जो भी आपसे पूछेगा दोनों ही ट्रिक में है ठीक है और दोनों ही साथ में चेरी से हो जाएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अब चेरी जो ब्लॉसम फेस्टिवल है ये आपका मणिपुर के अलावा मेघालय में भी होता है ठीक है ये मेघालय में भी होता है ध्यान रखना इसको जब नई पत्तियां आती हैं तो ये उसी टाइम पे जो स्प्रिंग के टाइम पे चेरी ब्लॉसम सेलिब्रेट किया जाता है हिंडन से हो जाएगा आपका हिंडन से भी कुछ होगा हिंडन से है हेरको हिंडनबा हिरकू हिंडन नहाई से हो जाएगा नगाई नहाई से हो जाएगा नगाई तो चाहे लू नगाई हो चाहे गंग नगाई हो बस नगाई देखा और मणिपुर मार दिया ठीक है तो मनी आते ही एक लड़की छोटी सी अपने संग डॉल और चेरी लाई तो संग डॉल से यौशांग डॉल जाता चेरी से चेरी ब्लॉसम लाई से आ, चे, लाई से लाई हरोबा लाई से लाई हरोबा ठीक है और हिंडन से हिंडोंगबा और नहाई से नगाई खत्म ठीक और हिंडन जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है यह यमुना जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी थी चंबल सिंध बेतवा केन ठीक है हिंडन टोन्स ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की हैं और यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी किसकी है गंगा की और यमुना का ओरिजन कहाँ से होता है कमेंट में आप जल्दी से बताइए अब आते हैं मिजोरम के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखते हैं तो मिजोरम के चपचारकुट मिनकुट फवानकुट ट्रिक खेस के बिस्कुट ठीक है तो जिसके नाम पे भी कुट दिखे आपको सिंपल वो मिजोरम का होगा चार कुट मेन मीम कुट ठीक है मीम होगा है मीम कुट फवांग कुट बिस्कुट खत्म हो गया इसमें भी कोई ट्रिक चाहिए क्या नहीं अब यमुना की अगर बात करें तो ये बंदर पुंछ रेंज पड़ती यमुनोत्री ग्लेशियर ठीक है बंदर पुंछ याद रखना है आपको वहाँ से यमुना निकलती है हमारी अब आते हैं मेघालय के फेस्टिवल्स देखते हैं मेघालय ठीक है मेघालय के फेस्टिवल्स को याद करना बहुत आसान है अगर आपने डांस वाली वीडियो देखी है तो इसके तो बहुत ही आसान है कैसे आप इससे भी अवगत हैं इससे भी अवगत हैं इससे भी अवगत हैं और लाहो से भी अवगत हैं ये हमने डांस देखे थे एक, एक एक्स्ट्रा चीज तो ये और वो हमारी शदसुख यही तो एक एक्स्ट्रा है शद सुख इसके अलावा तो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कैसे हम लोगों ने याद किया था कि वंग गाला, गाला से हमने पढ़ा था गारो गारो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है और इसको हम किस और नाम से जानते हैं कमेंट में आप बताएंगे ठीक है अगर आप छोटे बच्चे नंगे कर्म करते हैं तो उनको खांसी हो जाती है तो ये खांसी जो ट्राइब है वो इसको सेलिब्रेट करती है बेहदिन खलाम बची कौन गारू खांसी जैनतिया जैनतिया बची गई तो जैंतिया इसको सेलिब्रेट करती है और लाहौ डांस होता है फेस्टिवल नहीं होता है हम लोगों ने पढ़ा था कि लाहौ भी एक बहदिन खलाम का ही पार्ट है और शद सुख जो है ना शद सुख ये भी जैंतिया ट्राइब ही सेलिब्रेट करती है और ये भी मेघालय का है तो इसको कुछ भी करके बना सकते हैं कि जब आ, न, मतलब मेघालय में हम लोगों ने जोग्राफी में क्या पढ़ा है मेघालय में ने पढ़ा है कि जब मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून तो ये हमारा अरेबियन सी ब्रांच हो गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स में आती है किस तरह की रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट में जरा कमेंट बताइए और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है यह मेघालय में जाके सबसे पहले स्ट्राइक करती गारो खासी जयंतिया में तो क्योंकि गारो यहां पर स्ट्राइक करती है तो सबसे जो पहला सुख है बारिश का वो किसे मिलता है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय को मिलता है सबसे पहला सुख किसको मिलता है मेघालय तो शद सुख या फिर किसी भी तरह का सुख आएगा सुख सुख ठीक है और भी तरह के सुख होते हैं वो मेघालय जैसे कुट होगा तो आपका मिजोरम होगा कुट होगा तो मिज़ोरम होगा ऐसे सुख होगा तो मेघालय होगा इतनी चीज़ क्लियर सभी को यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है आगे बढ़ा जाए अब आ जाते हैं महाराष्ट्र पे और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं ठीक है ओरोग्राफिक रेनफॉल और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेनफॉल होती है अच्छा बताओ गारो खासी और जयंतिया हिल्स में कौन से हिल में मोहसिन राम सिचुएटेड है जहाँ पर हाइएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है ऑल ओवर इंडिया महाराष्ट्र के फेस्टिवल देखते हैं महाराष्ट्र के फेस्टिवल हैं विठोबा नरली पूर्णिमा गुड़ी पड़वा गुड़ी पड़वा ठीक है और बंग बांध गंगा वट पूर्णिमा कोजागिरी काला घोड़ा महोत्सव गणेश चतुर्थी एलिफेंटा फेस्टिवल और पोला ये फेस्टिवल हैं कहाँ के महाराष्ट्र के और गुड़ी पड़वा इनमें से न्यू ईयर फेस्टिवल है ये चीज़ ध्यान रखना आपको ये एक हमारा न्यू ईयर फेस्टिवल है तो ये हमारे फेस्टिवल इनको याद कैसे करेंगे याद करें ऐसे करेंगे कि एक घोड़ा है और एक पड़वा है अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है कि जो भैंस का बच्चा होता है छोटा सा उसको पड़वा बोलते हैं हमारे यहाँ पड़वा बोलते हैं आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन हमारे गांव में उसको पड़वा बोलते हैं जो भैंस का छोटा बच्चा होता है कितने लोग यहाँ भी बोलते हैं जरा कॉमेंट बताएंगे तो घोड़ा है एक छोटा सा छोटा काला घोड़ा है ठीक है काला घोड़ा है ठीक है काला घोड़ा है और एक पड़वा है ठीक है पड़वा है वो दोनों लड़ गए आपस में क्यों लड़ गए वो इसलिए लड़ गए क्योंकि वो ये पूर्णिमा और पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन लड़े थे पूर्णिमा के दिन क्यों लड़े थे क्योंकि पूर्णिमा के दिन आपको पता है पूरा चांद रहता है पूरा चांद रहता है तो रात को झेला रहता है दोनों को नींद आ नहीं रही थी दोनों लड़ गए बोलते हैं गणेश जी की सवारी कौन इसी बात पर लड़ाई हो रही थी एलिफेंट बगल में बैठा था एलिफेंट बोला थोबड़ा देखे वो अपना मतलब एलिफेंट बोला हम मैं तो जैसे हमारे नहीं बोलते हैं कि सकल देखी अपनी तो उसी तरह एलिफेंट बोला थोबड़ा देखा है तुमने अपना हम हैं गणेश जी की सवारी वो ये बोलना चाह रहा था तो घोड़ा से हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव ठीक है घोड़ा से हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव पड़वा से हो जाएगा गोड़ी पड़वा पूर्णिमा से हो जाएगा कोई भी पूर्णिमा हो वट पूर्णिमा हो कोजागिरी पूर्णिमा ये भी एक पूर्णिमा ही होता है पूर्णिमा के दिन होता है ठीक है कोजागिरी पूर्णिमा ठीक तो पूर्णिमा से आपके पूर्णिमा हो गया गणेश से हो गया गणेश चतुर्थी गणेश से हो गया गणेश चतुर्थी सवारी से हो जाएगा कोजागिरी सवारी कोजागिरी एलिफेंट से हो जाएगा एलिफेंटा फेस्ट एलिफेंटा फेस्टिवल जो एलिफेंटा केव्स में सेलिब्रेट किया जाता है बोला से हो जाएगा पोला फेस्टिवल बोला से हो जाएगा पोला फेस्टिवल पोला फेस्टिवल हो जाएगा ठीक है जो ये लिखा हुआ है ये और थोबड़ा से भी कुछ ना कुछ पक्का होगा थोबड़ा से है आपका विठोबा थोबड़ा से हो गया विठोबा पूर्णिमा पहली हो चुका है बस बाण गंगा याद कर लेना बाण गंगा कुछ या तो बना लो कि बान बाण बन खोबड़ा चलो कुछ भी यहाँ पे कुछ या फिर इस तरह से याद कर सकते हैं कि गोदावरी की हमने ट्रिब्यूटरीज़ देखी थी वेन गंगा पेन गंगा बाण गंगा ये सब ट्रिब्यूटरीज देखी थी हमने कहाँ पे गोदावरी की और गोदावरी कहाँ से निकलती है जल्दी से कॉमेंट बताएंगे और गोदावरी का जो मेजर बेसिन है वो महाराष्ट्र में लाई करता है तो उससे हम याद कर सकते हैं कि हाँ बाण गंगा फेस्टिवल महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता होगा और महाराष्ट्र में कहाँ पे ये भी क्वेश्चन आई थिंक एक बार पूछा जा चुका है मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है इसको क्लियर है तक सभी को और ये जो हमारी गोदावरी होती है वो कहा से निकलती है कैसे याद किया था हम लोगों ने जीटी जी से गोदावरी और टी से जीटी रोड ठीक है इस तरह से हम लोगों ने याद किया था पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछा था नहीं चलो और हाँ यहाँ पूछा था मैंने कि जो खासी हिल्स पे ही हमारा मोहसिन राम है। मैंने आपसे पूछा था मोसिन राम इनमें से किस हिल्स में है तो मोसिन राम हमारा खासी हिल्स में सिचुएटेड है ये भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है अभी आते हैं एक सेकेंड उठा अभी आते हैं फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड नागालैंड के फेस्टिवल्स देखते हैं तो नागालैंड के फेस्टिवल से ये हॉर्नबिल सेक्रेनी अंगामी ट्राइब सॉरी 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 सेकरानी ट्राइब के नाम लिखे हुए हैं ट्राइब के नाम लिखे हुए हैं जो ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो ट्राइब परफॉर्म करती है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है सेकर्रेनी फेस्टिवल है मोआसू फेस्टिवल है और ओलियांग फेस्टिवल है ये चार फेस्टिवल नागालैंड के याद करने हैं पहले तो ट्राइब याद कर लो सैक्रेनी जो है अंगामी ट्राइब सेलिब्रेट करती है और जो मोत्सू जिसको मोत्त् के नाम से भी जानते हैं ध्यान रखना कहीं कहीं पर इसको मुआत्सी करके भी लिखा होगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है इसको आउट ट्राई परफॉर्म करती है यहाँ की ठीक है अब देख लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है अब मुझे बताओ नाग किस में रहते हैं बिल में रहते हैं ठीक है नाग बिल में रहते हैं सिंपल तो ये हॉर्नबिल तो याद हो गया और हॉर्नबिल ही सबसे इंपॉर्टेंट है और हॉर्नबिल ये ध्यान रखना ये टेन डेज का फेस्टिवल है दस दिन चलता है फेस्टिवल कब चलता है ये ये एक से लेके दस दिसंबर तक फेस्टिवल चलता है ये एक से लेके दस दिसंबर तक ठीक ताकि कल्चरल जो कनेक्ट है नागालैंड के लोगों के बीच में कम्युनिटी के बीच में उसको बढ़ाया जा सके तो नाग नाग लोग बिल में शक्कर रखते हैं ऐसे ध्यान रखो नाग लोग बिल में शक्कर रखते हैं ठीक है और न, 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 और फिर नागिन को बुलाते हैं आओ सक्कर खाओ ठीक है आओ सक्कर खाओ ठीक है आओ मुँह से सक्कर खाओ ठीक है पता नहीं थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट ऐसे करके आप याद कर सकते हैं भाई बिल तो याद हो गया हॉर्न बिल शक्कर से सकरणनी याद हो गया मोत्सु और औलियान को भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि वो फिर शक्कर डाल के उसने बोला आओ ठीक है आओ और मुँह से शक्कर खाओ इस तरह से तो से अंग सेकरनी अंगामी ट्राइब सेलिब्रेट करती है और मोआसु को आओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है ठीक है अभी आते हैं उड़ीसा के फेस्टिवल्स पे उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखते हैं तो उड़ीसा के फेस्टिवल हैं ये कलिंग महोत्सव कोनार्क फेस्टिवल राजा परबा रथ यात्रा छऊ और नौ खाई किसी को कोई डाउट तो नहीं आता कि एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूं हाँ भूत बगाओ स्टील दी गई सर में एग्जाम अच्छा लू बिल्कुल दो हजार चौबीस पे एक वीडियो आएगा जल्दी कुछ दिनों में आपको वीडियो देखने को मिलेगा और वहाँ पे सारी चीजें बताऊंग करंट अफेयर कहाँ से कैसे क्या करना है चिंता मत करें थोड़ा सबर करें उड़ीसा के ये सारे फेस्टिवल इसको याद करने की ट्रिक है छ खाई या नौ खाई ये कौन बताएगा कलिंग के राजा जी जो रथ पे बैठे हैं ये बताएंगे छह खाई मतलब कुछ भी रोटी पूड़ी कुछ भी तो वो ऐसे याद रखो कि छ खाई या नौ खाई ये कौन बताएगा कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हुए हैं दिशा के साथ ऐसे याद कर लो दिशा के साथ जो बैठे हुए हैं वो बताएंगे तो दिशा से आपको उड़ीसा याद हो जाएगा ठीक है छे खाई छे से छऊ फेस्टिवल हो जाएगा नौ खाई से नौखाई फेस्टिवल ये जो है आपको दिख रहा है नौखाई फेस्टिवल कौन से हो जाएगा कोनार्क फेस्टिवल कौन से कोनार्क फेस्टिवल बताएगा से हो जाएगा बाल यात्रा नहीं लिखा क्या यहां या? हम्म चलो तो बाल यात्रा यहां पे लिख लो बाल यात्रा तो बताएगा से बाल यात्रा हो जाएगा ठीक है कलिंग से हो जाएगा कलिंग महोत्सव ठीक है कलिंग से हो जाएगा ये जो कलिंग महोत्सव है वो ठीक है कलिंग से कलिंग महोत्सव हो जाएगा आपका और राजा से हो जाएगा राजा जी ठीक है राजा से हो जाएगा राजा परवा राजा परवा और रथ से हो जाएगा आपका रथ यात्रा रथ से हो जाएगा रथ यात्रा और कुछ बचा यहाँ पे नहीं बचा सारे हो गए कलिंग भी हो गया कोनार्क भी हो गया राजा परवा भी हो गया रथ भी हो गया छऊ भी हो गया नौ खाई भी हो गया बाल यात्रा भी हो गया तो छ खाइए नौ खाई ये कौन बताएगा कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हैं वो बताएंगे तो छ से छऊ नौ खाई से नौ खाई कौन से कोणार्क जो कि कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा में वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है बताएगा से बाल यात्रा कलिंग से कलिंग फेस्टिवल राजा से राजा पर्वा रथ से रथ यात्रा और बस खत्म हो गया और रथ यात्रा आपको यह ध्यान रखना है ये भगवान जगन्नाथ जी के निक, लिए निकाली जाती है बहुत बड़ा सा रथ जो हफ्तों लगते हैं जिसको बनाने में वो उसकी सवारी निकलती है एक्चुअल में जो लॉर्ड जगन्नाथ है इनको कृष्ण या फिर विष्णु जी का अवतार माना जाता है तो इनकी जो आ, मतलब एक जर्नी थी कमेंट में जल्दी से बताएंगे गोकुल से कहाँ तक गोकुल से लेके कहाँ तक गोकुल टू वेर तो वहाँ तक की जर्नी को दिखाया जाता है जो उड़ीसा से उनको तो खैर पता ही होना चाहिए बहुत एक मेजर फेस्टिवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उड़ीसा में जो सेलिब्रेट किया जाता है तो जगन्नाथ जो लॉर्ड कृष्णा जी के ही अवतार हैं और मतलब इतना मेजर फेस्टिवल है कि कई लोग तो पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि इसके आगे कूद के मतलब रथ एक काफ़ी बड़ा सा रथ निकलता है उसके आगे अपनी मतलब जान दे देते थे इसलिए ताकि उनको हेवन में यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उन्हें स्वर्ग में जाने का अवसर मिले ये मतलब इसलिए बिल्कुल क्ले आर्ट फेस्टिवल क्ले आर्ट वो जो क्या नाम है इनका सुदर्शन जी सुदर्शन जी बनाते हैं है ना हाँ तो बिल्कुल सभी ने सही लिखा गोगुल टू जो द्वारका जी द्वारका तक की जो यात्रा थी उसको दर्शाया जाता है जो रथ यात्रा निकलती है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए उससे अब आते हैं पंजाब के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं तो पंजाब के होला मोहल्ला लोहड़ी गुरु पर्व और बैसाखी ये फेस्टिवल है मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ ट्रिक की ज़रूरत याद पढ़नी चाहिए आपको ये सभी को बताऊँगे पंजाब के तो ठीक है होला मोहल्ला होली के टाइम पे होता है होला अंदर से ठीक <laughs> है तो होली के टाइम पे ये होता है और बैसाखी जो होता है बैसाखी फेस्टिवल बैसाख के टाइम पे होता है और ये आ, इसका जो ओरिजन है ना गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के दसवें गुरु थे हमारे गोवि गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी उस खालसा पंथ की स्थापना को सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है और लोहड़ी और गुरु पर्व ये कहाँ के हैं पंजाब के फेस्टिवल्स एंड आई होप यहाँ पर ट्रिक की नीड नहीं होगी अब आते हैं राजस्थान के फेस्टिवल देखते हैं तो राजस्थान के हैं पुष्कर मेला पुष्कर फेस्टिवल डेजर्ट गंगौर नागौर चंद्रभागा फेर बूंदी उत्सव बनेश्वर फेस्टिवल और कोलायट फेस्टिवल तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बिकॉज देखिए डेजर्ट फेस्टिवल तो आप आराम से याद कर सकते हैं बिकॉज राजस्थान हमारा डेजर्ट है ठीक है और गंगौर भी मैं आपको कल याद करवा चुका था वहाँ पे डांस में हम लोगों ने देखा था और गंगौर ध्यान रखना ये गौरी जी ठीक है जो हमारी गौरी जी हैं शिव जी की वाइफ जो कि पार्वती जी ही हैं एक तरह से हम बोल सकते हैं उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है गंगौर ठीक है गंगौर हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि गंगा में आ, उसको मध्य में डाला और भागा हो है ना इस तरह से हमने देखा था तो गंगौर यहाँ पे भी होता है राजस्थान और एमपी दोनों में होता है दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे ध्यान रखना ठीक है तो ये किसके लिए होता है ये भी पता होना चाहिए माता गौरी जो कि पार्वती जी का अवतार है तो उनके लिए ये होता है ठीक है और नागौर नागौर भी कुछ याद कर सकते हैं कि भाई राजस्थान में नाग बहुत निकलते हैं ठीक है चंद्रभागा बूंदी बूंदी उत्सव बनेश्वर और कोलायट फेस्टिवल इसके लिए ट्रिक नहीं है अगर किसी के पास ट्रिक हो तो वो कमेंट में बता सकता है बाकी इसके लिए ट्रिक नहीं है बिकॉज गंगौर पहले से आपको याद है डेजर्ट राजस्थान से याद हो सकता है पुष्कर भी पुष्कर मिला आई होप सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट ये आपका राजस्थान में लगता है ठीक है बस ये कुछ इक्का दुक्का है जैसे बूंदी कोलायट और बनेश्वर ठीक है ये आपको बस थोड़े से पता होना चाहिए इक्का दुक्का अलग से इनको याद कर सकते हैं एंड आई होप इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बनाने में तो आप बना सकते हैं कि भाई एक नाग है जो ईश्वर के साथ बूंदी खा रहा है ठीक है ऐसे करके अब आते हैं सिक्किम के फेस्टिवल देखते हैं सिक्किम के फेस्टिवल्स लो लोसर सोनम लोचार और सागा दवा बहुत आसान है इसका याद करना कैसे लो सर लो सूंग लो लो चार लो लो दवा लो <laughs> सारे याद हो गए है ना लो सर लो सूंग लो लो चार लो लो दवा लो लो सब कुछ लो अब मुझे पता ये लो दवा नहीं है ये सागा दवा है लेकिन याद करने में क्या इमेजिन करने में क्या जा रहा है कि सब में लो लो लगा हुआ है लो सर लो दवा लो लो सूंग लो लो चार लो लो द� सब कुछ सब में लो लो लगा दो ठीक है तो ये तो ही है ये लो संग लो सर लो चार और इसको भी लो दवा तो जब भी दवा आएगा सागर दवा तो आपको याद आ जाएगा हाँ लो सूर सु, लो सूंग सब कहाँ गए सिक्केम के क्यों दवा हुआ दे रहे हैं क्योंकि सिक हो गए हैं सर जी आपके जो सर हैं वो आपके सिक हो गए हैं तो आपने बोला लो सर दवा लो इसको सूंग लो और लो सर चार दवा लो और उसको सूंग लो इस तरह से ख़त्म हो गया है ना अब आते हैं तमिलनाडु के फेस्टिवल देखते हैं तो तमिलनाडु के हैं पोंगल जल्ली कट्टू थाईपूसा पुथांडू नाट्यांजली फ्लोट फेस्टिवल महामहम टेम्पल थिरु वैारू फेस्टिवल और कारथिगाई दीपम ये फेस्टिवल हैं तमिलनाडु के इसको याद इस तरह से हम कर सकते हैं देखिए अंजलि को कट्टू कर लिया कट्टू का, का मतलब क्या होता है ऐसे नहीं बचपन में आपको अभी बोलाता होगा लो कट्टू कर लो या फिर छोटे बच्चों को बोला था ना काट लो को बोलते हैं कट्टू कर लो है ना लो ब्रेड कट्टू कर लो रोटी कट्टू कर लो है ना तो अंजलि को कट्टू कर लिया किसी ने कट्टू कर लिया मतलब काट लिया कुत्ते ने काट लिया हो सकता है तो पागल हो गई कुत्ते ने काट लिया तो पागल हो गई ठीक है कोई अंजलि आपको बुरा नहीं मानेंगी ठीक है आपकी भावनाएं आहत ना हो बिकॉज ये सिर्फ ट्रिक है आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं अभिषेक की अंजलि की या फिर कोई और यहाँ पर किसी का नाम आया हो तो ठीक है थाईलैंड में जाकर और थाईलैंड में जाकर तैरने लगी फ्लोट करने लगी पागल हो गई ना ठीक है तो अंजलि से नाट अंजलि ठीक है अंजलि से नाट अंजलि और यह भगवान जो नटराज हैं उनको समर्पित है ये ये इसमें डांस परफॉर्म किया जाता है ठीक है नाट अंजलि तो नाट अंजलि कट्टू से हो जाएगा आपका जल्ली कट्टू ठीक है कट्टू से हो गया जल्ली कट्टू फेस्टिवल ठीक है कर लिया से कुछ तो नहीं, नहीं है पागल से हो जाएगा पोंगल ठीक है पोंगल गई से भी कुछ ना कुछ होगा पक्का गई से आपकी करती गई ठीक है करती गई फेस्टिवल करती गई दीपम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें दीप जलाए जाते हैं बहुत सारे दियाज जलाए जाते हैं थाईलैंड थाई से है आपका थाई पूसम ठीक है थाई पूसम और ये जो थाई पूसम है ना थाई पूसम तमिलनाडु का पता यहाँ कोई यह है नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का वहाँ पे एक ये कवाडी ठीक है कवाडी करके एक मतलब इसमें होता क्या कवाडी में बताता हूँ एक्चुअली मुझे ही पहले पता नहीं था फिर मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें जगाया कि कबड्डी क्या होता है क्या था, था पोस्ट कैसे तो मैंने थोड़ा सा इसमें सर्च वगैरह किया देखा तो मतलब मज़ा आ गया देख के मज़ा और थोड़ा सा थ्रिलिंग टाइप एक्सपीरियंस था ये इसमें पता है कैसा होता है कावडी में कावडी में लोग मतलब मतलब फिनोमिनल मतलब आप देख जाए देख लेंगे तो रू काब उठेगी जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्सन है ठीक है पीठ में बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं डब्बे डब्बे में वो पता नहीं क्या क्या होता है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता होता चावल होता है दूध होता है ये सब कम से कम चार पांच डब्बे पीठ पे टांग के और कैसे टांगे मैं बता रहा हूँ आपको सूजा घुसा हुआ है पीठ में सूजा समझ रहे हैं ये खाल है खाल में सूजा घुसा घुसाओगे इंटेंसिटी समझ रहा हो मेरी देख रहे हो समझ रहे हो तो ये जो सूजा है इसमें घुसा के इसमें टांगते हैं ये लोग क्या जो डब्बे होते हैं जिसमें कि ये चावल होता है दूध होता है तीन चार डब्बे ऐसे सूजे घुसे हो हुए होते हैं ठीक है सूजे तो समझते होंगे ना कील समझ लो कील घुसी हुई है पीठ में पीठ की खाल में और उसमें टंगे हुए हैं और फिर ये जाते हैं मंदिर तक और यही नहीं अभी और सुनिए मुंह में जो मुंह का गाल होते हैं ना गाल एक तरफ से डाला सूजा या फिर कील और दूसरी साइड से निकाला अंदर से समझ रहे हैं कितना पेनफुल होता होगा वो और वो उसमें फिर त्रिशूल लगाते हैं वो ठीक है तो त्रिशूल एक तरह से गाल से अंदर पूरा वो तो समझ सकते हैं कितना पेनफुल वीडियोज भी पड़े हुए हैं अगर आप कमजोर दिल के नहीं हैं तो देख सकते हैं जाके ठीक है तो ये होता है इसमें कावड़ी तो उसको बोलते हैं उनको बोलते हैं कावड़ी है ठीक है थीके? तो कावड़ी ठीक है थाईपूसा में फेस्टिवल में ही होता है फ्लोट से हो जाएगा आपका फ्लोट फेस्टिवल ठीक है फ्लोट से हो जाएगा फ्लोट फेस्टिवल क्लियर हो गया यहाँ तक कोई बचा तो नहीं है पोंगल हो गया जलीकट हो गया थाईपुर हो गया पुथांडू नहीं हुआ है नाटंजलि हो गया फ्लोट हो गया और ये भी हो गया ये दोनों नहीं हुए देखिए तो पुथांडू एक न्यू ईयर फेस्टिवल है याद कैसे रखेंगे बहुत आसान है तमिलनाडु पुथ, पुथांडू अभी मैं समराइज़ भी करूंगा सारे न्यू ईयर फेस्टिवल्स को तो पुथांडू तमिलनाडु तमिलनाडु तमिल पुथांडू ठीक है और ऐसे याद कर लो महामहिम राजा ऐसे करके कुछ भी ठीक है ये दो फेस्टिवल आपको और याद कर लेना महामहम और थ्री वायूर वैसे तो इतने जो हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया आराम से एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे एंड सॉरी अगले आ, स्टेट पे एंड दैट इज़ तेलंगाना तेलंगाना के देखते हैं फेस्टिवल कौन कौन से हैं बोनालू बातुकम मेधा राम जात्रा और दुन्ना पोथूला पंडुग्गा सम्मक ये कहाँ के हैं तेलंगाना के हैं इसको याद ऐसे करेंगे कि एक लड़का है वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है माँ से पूछ रहा है कि माँ भथुआ बना लूँ शाम को पढ़ लूँगा अभी बथुआ बना लेता हूँ शाम को पढ़ लूँगा इस तरह से वो बोलता है तो बथुआ से हो जाएगा क्या भथु कम्मा उसने अपनी अम्मा से पूछा अपनी मम्मी है ठीक है मम्मी को अम्मा ही बोलते हैं ना ठीक है तो उसने अपनी अम्मा से कहाँ जा रहा है ये ठीक है तो उसने अपनी अम्मा से पूछा अम्मा बथुआ बना लूँ बथुआ आई होप सभी को पता होगा बथुआ एक मतलब फ्री टाइप में मिलता है जैसे कि पालक वगैरह लो तो बथुआ साथ में अटैच रहता है अभी जैसे सर सर्दी आ रही है ना तो सर्दिया में बथुआ बहुत मिलता है पालक के साथ कहीं कहीं पे इसको नहीं खाते हैं ठीक है मतलब थोड़ा अजीब सा तो नहीं लेकिन ठीक अच्छा खासा हेल्दी होता है घास टाइप की होती है ये एक तो मतलब ऐसे फ्री में मिल जाता है बतुआ ठीक है और कुछ लोग लेते हैं नहीं लेते हैं ठीक है बनालू से हो जाएगा बनालू फेस्टिवल ठीक है बनालू फेस्टिवल शाम को से हो जाएगा सम्मक जातरा फेस्टिवल और पढ़ूंगा से हो जाएगा आ, क्या दुनो पोतूला पढ़ूंगा और किसके साथ पढ़ूंगा अकेले थोड़ी ना पढ़ूंगा मेधा के साथ पढ़ूंगा ठीक है तो शाम को मेधा के साथ पढ़ूंगा मेधा के साथ मेधा के साथ क्यों क्योंकि मेधावी छात्र है ना तो मुझे भी मेधावी छात्र बनना है तो मेधा के साथ तो पढ़ना पड़ेगा भाई <laughs> ठीक है तो मेधा राम यात्रा क्लियर तेलंगाना के भी सारे याद हो गए किसी को डाउट तो नहीं आता किसी को दिक्कत तो नहीं आता कमेंट में जल्दी से बता सकते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए अब बढ़ते हैं आगे त्रिपुरा के फेस्टिवल देख लेते हैं तो त्रिपुरा के हैं खर्ची पूजा होजागिरी गरिया पूजा और बीजू ये हमारे फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा के लिए ट्रिक तो नहीं है आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं पहली बात तो कन्फ्यूज नहीं होना है कोजागिरी और होजागिरी में कोजागिरी कहाँ का, कोजा का है जल्दी से बताएं। कोजा गिरी कहाँ का है जल्दी से कॉमेंट बताएंगे होजागिरी त्रिपुरा का है, है ठीक तो है खर्ची पूजा गरिया पूजा और बीजू तो पूजा पूजा जहाँ पे है खर्ची पूजा गरिया पूजा ठीक है वो आपके त्रिपुरा के होंगे और बीजू आपका कहाँ का है फेस्टिवल त्रिपुरा का क्लियर यहां का और और कुछ ट्रिक यहां पे बन सकती है वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे आई होप है ना बिकॉज होजागिरी तो आपको याद ही हो गया और कोजागिरी कहां का है कोजागिरी हम लोगों ने देखा था कहाँ का है कोजागिरी है महाराष्ट्र का ठीक है पार्ट्स ऑफ एम में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र एंड एम में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है ट्रिक hmm, तो इसकी बन नहीं रही है देख लेना अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा लेट या फिर अगर किसी के साथ किसी कोई ट्रिक बना पा रहा हो यहां पे तो कमेंट कर सकता है हम्म hmm, चलिए अब बढ़ते हैं आगे ठीक और अभी हम देख लेते हैं देखिए टी तक तो फिनिश हो गए अब हम देख लेते हैं देखिए उत्तर प्रदेश के इन सब के नहीं पूछता है उत्तर प्रदेश वगैरह उत्तराखंड के देख लेते हैं उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के ठीक है एंड देन मैं समराइज़ कर दूंगा न्यू ईयर वाले फेस्टिवल हिंदी कैलेंडर मंस देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ठीक है तो चलिए अभी आते हैं उत्तराखंड के देखते हैं तो उत्तराखंड के हैं जैसे आ, हरेला ठीक है हरेला है हरेली कहाँ का था हरेली याद करो हरेली हरेली, हरेली हरियाली छत्तीसगढ़ ठीक है छत्तीसगढ़ में हरियाली थी हरेला और भुटौली ठीक है भिटौली या फिर भुटौली काले कौआ ठीक है काले कौआ इसे ना डरियो ऐसे करके याद कर सकते हो ठीक है काले कौवा और इसी को हम घुगटिया भी बोलते हैं ठीक है थीके? इसी को ही हम घुगुटिया के नाम से भी जानते हैं घुगुटिया और दही बिकॉज उत्तराखंड में बहुत फूल होते हैं ऐसे याद कर लो ठीक है कंडाली और उत्तराखंड में बिस्सू मेला ठीक है बिस्सु मेला और एगास बिस्सु मेला और एगास ये फेस्टिवल आपको एक बार देख लेना उत्तराखंड आई अगेन रिपीट ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसी वजह से मैंने इनको लास्ट में रखा है जितने कि हमारे अभी तक वाले इंपॉर्टेंट है और वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक तो इनका पहला बैशाख न्यू ईयर होता है ठीक है जो पहला बैशाख होता है बैशाख बोलते हैं ठीक है ठीके? ये वहाँ का न्यू ईयर होता है वेस्ट बंगाल का ठीक है नए साल के रूप में इसको मनाया जाता है और यहाँ पर होता है जैसे दुर्गा पूजा बहुत फेमस है दुर्गा पूजा यहाँ की ठीक है और रस मेला होता है रस मेला और 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 बसंत ठीक है जैसे हमारे वसंत बोलते हैं यहाँ पे बंगाल में हर चीज़ में ब लगाते हैं ना बसंत ठीक है बसंत उत्सव और हर चीज़ में थोड़ा सा नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है जैसे पौला है ना ओ ओ ऐसे करके ज़्यादा बोलते हैं जैसे सौरव को वहाँ पे सौरव बोलते हैं गौरव को गौरव बोलते हैं ऐसे करके ठीक है तो बस वसंत को बसंत बसंत उत्सव तो ये तीन चार आपको याद रखने हैं वेस्ट बंगाल के बाकी यहाँ पे होते हैं हमारे ख़त्म यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ जो न्यू ईयर फेस्टिवल हैं कौन कौन से हमने न्यू ईयर फेस्टिवल अभी पढ़े हैं ठीक है न्यू ईयर फेस्टिवल्स तो पहले तो हमने पढ़ा था किसका किसका पढ़ा था हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का पढ़ा था ठीक है उगाड़ी होता है ठीक है उगाड़ी कहाँ का होता है जल्दी से रिकॉल करो आप लोग ठीक है उगाड़ी कहाँ का होता है फिर विशु कहाँ का होता है ठीक है पुथान्डू कहाँ का होता है रिकॉल करो जल्दी से अभी हम मैंने आपको सब कुछ हम लोग पढ़ के आ रहे हैं और गुड़ी पड़वा ठीक है गुड़ी पड़वा पयला बैशाख ठीक है पयला बैशाख लद्दाख ठीक है लद्दाख और ये क्या बोल रहा हूँ मैं एक सेकेंड मुझे तो उसका नाम लिखना था लोसर ठीक है लोसर कहाँ का है और 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 पटेटी पटेटी नवरुज के रूप में जिसको बोलते हैं नवरुज ये किसका न्यू ईयर है ये आपको बताना है और 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 चलिए इतना ही हमें यहाँ पे देखना है ठीक है और एक चीज ध्यान रखना ये सारे ये जितने भी न्यू ईयर होते हैं अगर कभी भी आपसे पूछ ले चैत्र के महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं चैत्र का मतलब होता है मार्च अप्रैल के टाइम पे ठीक है चलिए तो उगाड़ी कहाँ का हम लोगों ने देखा था आंध्र और कर्नाटका में भी ठीक है वैसे मेनली आंध्र प्रदेश में बट अगर कर्नाटका भी होगा तो कर्नाटका भी आंसर होगा आपका ठीक है विशु हम लोगों ने देखा था किस तरह से कि पूरन वासु और निशा ऑल आर एट पेन दे आर एट पेन क्यों पेन में थे क्यों पेन में थे क्योंकि दे लॉस्ट वल्लम कल्ली दे लॉस्ट बोट रेस ऑन मकर संक्रांति है ना तो विशु से हो जाएगा हमारा विशु कहां का है केरल का हो जाएगा ठीक है केरल का और पुथांडू कहाँ का है तमिलनाडु का ठीक है पुथांडू है तमिलनाडु का और गुड़ी पड़वा गुड़ी पड़वा है ये कहां का महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का पहला बैशाख कहाँ का है वेस्ट बंगाल का लोसर कहाँ का है लोसर मेरी पिन पकड़ो और पास आओ अरुणाचल ठीक है अरुणाचल प्रदेश और पटेटी और नवरोज बस हम लोगों ने यही नहीं देखा है ये है आपका जो पारसी कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है पटेटी या फिर नवरोज के रूप में इस चीज़ को ध्यान रखना उसको पटेटी भी बोलते हैं उसको नवरोज भी बोलते हैं कुछ भी आप बोल दो बात एक ही है ठीक यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है और कुछ छूट तो नहीं रहा एक बार चेक कर लेते हैं अब लोसर जो है अरुणाचल के अलावा लद्दाख ठीक है लद्दाख जो भी तिब्बतन कम्युनिटी है वो लोसर को एज ए न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करती है लद्दाख के कुछ और फेस्टिवल भी आप देख लीजिए जैसे कि हम लोगों ने सागा दावा ये पढ़ा था ना सागा दावा कहाँ पढ़ा था सिक्किम में ये लद्दाख में भी होता है ये लद्दाख में होता है लोसर हो गया लद्दाख का वो हम देख चुके हैं एक हेमिस फेस्टिवल ध्यान रखना हेमिस लद्दाख का ही होता है और कुछ और कुछ सागा दावा तो हो गया और एक और बस यहाँ पर लिख लो एंड दैट इज़ टक टोक ठीक है टक टोक फेस्टिवल वैसे तो मोस्टली आपका साका और हेमिस पूछता है हेमिस बहुत पूछता है ध्यान रखना है। हेमिस फेस्टिवल ठीक है लद्दाख का और कुछ तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे अब क्वेश्चन की बारी है ठीक है चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं चलिए क्वेश्चन अटेंड करिए और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा विच ऑफ़ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ इनमें से कौन सा फेस्टिवल निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हमिश नेशनल पार्क भी है बिल्कुल सही पुनीत हमिश मोनास्ट्री भी है वहाँ पर लद्दाख में मुस्लिम का भी देख लेंगे भूमिका भी आएगा आई थिंक ठीक है क्वेश्चन में चलो तो अभी मुस्लिम्स के भी अभी आएंगे अनिल उसमें भी आएंगे ठीक है लोही बैसाखी भाई तो अभी मैं बता के आ रहा हूँ आपको खालसा पंथ की जो स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी बैसाखी इसका आंसर होगा लोहड़ी कैसे आप मार रहे हैं है? अभी अब मैं आपको ये चीज़ बता के आ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया तो फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दी मंथ ऑफ ऑगस्ट सेप्टेम्बर इनमें से कौन सा ऑगस्ट सितंबर के टाइम पर होता है ऑप्शन है आपके मकर संक्रांति काइट फेस्टिवल बीकानेर आ, फेस्टिवल या फिर ओनम कौन सा होता है सीजल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है पढ़ा नहीं है आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो भी एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कैसे हमें पता है मकर संक्रांति ये कब होता है जनवरी के टाइम पे होता है अगस्त सेप्टेम्बर के टाइम पर और उसी टाइम हम पतंग भी उड़ाते हैं तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ हट गए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओनम जो ओनम है जहाँ पर बोट रेस ऑर्गेनाइज करी जाती है ठीक है और नेहरू ट्रॉफी भी होती है अगस्त सितंबर के टाइम पे होता है ठीक अब आते हैं द रन उत्सव इज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म तो रन उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है गुजरात राजस्थान पंजाब और महाराष्ट्र तो हम लोगों ने किस तरह से याद किया था कि शर्मा जी जो है माधव के साथ रन कर रहे हैं गुजरात में रात में ठीक है रात में करवा चौथ में ऐसे करके याद करना है ना तो वौथ करवा चौथ से वौथ में लाया तो जाएगा शर्मा जी से शमला जी याद हो जाएगा माधव से माधवपुर मेला और मोढ़ेरा फेस्टिवल याद हो गया रन कर रहे हैं से रण उत्सव याद हो गया सारे याद हो गए हमें ऑप्शन नंबर ए वेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर दी हिंदू कैलेंडर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग रक्षाबंधन को कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है जरा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए क्या सही आंसर होगा कि कब सेलिब्रेट किया जाता है अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप कि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं बस एक फेस्टिवल को हटा दीजिए और वो हमारा एक फेस्टिवल है कौन सा एक फेस्टिवल है जो दिवाली जो अपकमिंग दिवाली है वो होता है आपका अमावस में बाकी जितने भी आपसे पूछेगा ठीक है जितने भी आपसे पूछेगा सारे पूर्णिमा वाले ही होंगे अब रक्षाबंधन की अगर बात करें तो किस महीने में होते हैं रक्षाबंधन अगर हम बात करें तो ये अगस्त के महीने में कुछ होता है जाके है ना अगस्त सेप्टेम्बर के टाइम पर होता है अगस्त सेप्टेम्बर के टाइम पर तो अगस्त भी हम बोल सकते हैं तो रक्षाबंधन की अगर हम बात करें और श्रावण का जो महीना होता है ये एक्चुअल में जुलाई अगस्त का ही महीना होता है और अगस्त में ही रक्षाबंधन होता है तो पूर्णिमा श्रावण सही आंसर होगा ठीक है पूर्णिमा यहाँ पे सही आंसर होगा अब आते हैं अगले में चलो यहीं पे ही चलो बता ही देते हैं आपको कि कौन-कौन से हमारे हिंदी मंथ होते हैं न, 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 चलो इस क्वेश्चन को करो और यहां पे मैं लिखता हूं हिंदी को इस क्वेश्चन करो और यहां पे मैं हिंदी मंस लिखता हूं ठीक है सबसे पहले तो आता है आपका कौन सा चैत्र शुरू करें फिर चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं माघ से ठीक है माघ होता है जो जैन फेब के टाइम पे होता है माघ मैं पहले लिख देता हूँ फिर इंग्लिश वाले लिख दूंगा ठीक है माघ फाल्गुन चैत्र बैसाख ये वैसे तो ये मैं करवा चुका हूँ ज्योग्राफी में अगर आपको याद हो तो जब मैं प्री मॉनसून शावर करवा रहा था वहां पे मैंने ये लिखवाए थे आपको सारे ठीक है चैत्र वैशाख वैशाख भी बोलते हैं इसको ठीक है वैशाख या फिर वैशाख ज्येष्ठ ज्येष्ठ सावन या फिर श्रावण भाद्रपद या फिर भादव भी इसको बोलते हैं भाद्रपद और अश्विन अश्विन कार्तिक मार्ग ऋषि ठीक है मार्ग ऋषि ठीक है और पौष एक और बची क्या पौष पौश तो यहाँ पे इंग्लिश वाला मैं लिख देता हूं आसान है मार्ग जैन फेब के टाइम पे होता है जो जैन फेब होता है ना इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको फेब मार्च कर लो फेब मार्च होता है फागुन ठीक है और चैत्र होता है आपका अप्रैल में बैसाख होता है आपका चैत्र बैसाख बैसाख ठीक है न, 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 एक सेकंड रुको, तो आपका मार्च अप्रैल हो गया ना न, तो मार्ग जैन फेब हो गया आपका फागुन आपका फरवरी मार्च हो गया और ये आपका मार्च अप्रैल होगा ठीक है जैन फेब 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 मार्च चैत्र होता है आपका मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल बैसाख होता है आपका अप्रैल में जेठ होता है आपका मई जून जिस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है इसको कैसे याद कर सकते हैं जैसे कि जैसे होता जैसे कि गर्मियों के टाइम पे जब हम लोग गांव पे रहते थे तो मम्मी बोलती थी कि जैसे होता ना कि बड़े भाई को जेठ बोला जाता है हमारे यहाँ पे ये तो सभी को बताओ ना जेठ कौन होता है हमारे इंडियन रिलेशनशिप में जेट कौन होता है ना तो जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो मतलब मैंने ऐसे पता नहीं रिलेट कर लिया था कि ये लगता है जेठ लोग जेठ लोग ही गर्मी लाते हैं माहौल में जेठ लोग गर्मी लाते हैं तो इस तरह से कि जेठ का जो महीना होता है जेष्ठ का वो गर्मियों का होता है मई जून का हमारा सबसे एकदम तगड़ी गर्मी वाला होता है ठीक है आषाढ़ की अगर बात करें तो जून जुलाई वाला महीना होता है आषाढ़ का जब बारिश आने वाली होती है सावन वो होता है जब झमाझम जम बारिश होती है जुलाई अगस्त का महीना भाद्रपद होता है जब अगस्त में अगस्त सेप्टेम्बर वाला ठीक है अश्विन की अगर बात करें सितंबर अक्टूबर वाला महीना हो जाएगा सितंबर अक्टूबर कार्तिक की अगर बात करें जब दिवाली होती है हमारी अक्टूबर नवंबर दिवाली अमावस में होती है ध्यान रखना है आपको चीज़ ठीक है अमावस में दिवाली होती है बाकी जितने भी आपके फेस्टिवल होंगे वो तो सब पूर्णिमा वाले ही होंगे ठीक है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है मार्ग ऋषि अगर बात करें नवम्बर दिसंबर और ये जॉब का बच गया पौष ये आपका वही दिसंबर का ठीक है पौष जॉब का बच गया ये दिसंबर जनवरी का ठीक है चलिए अभी सरहुल की अगर बात करें तो सरहद में रोहिणी के ठीक है सुसु न कर है ना तो उनको ससू लगाई थी तो सरहद पर उन्होंने कर्म कर दिया था ठीक है झारखंड तो ऑप्शन नंबर जो यहां पे पूछा है स्टेट नहीं पूछा है पूछा कि कब किस सीजन में होता है तो ये स्प्रिंग सीजन में होता है सरहुल मैंने आपको ये बताया भी था सरहुल साल का जो पेड़ होता है साल ट्री जब उसमें नई पत्तियां आती हैं तब सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल ठीक है तो स्प्रिंग सीजन में आती है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा और झारखंड के हमने किए से किया हैं रोहिणी याद किया था सुसु से तुसू फेस्टिवल याद किया था ठीक है और सर और क्या हमने याद किया था सरहद से सरहुल याद कर लिया था और उनके सोहर थे तो सोहर से सोहराई याद किया था करम से करम करम फेस्टिवल जवा जवा फेस्टिवल ठीक है अगले पे आते हैं सिक्स्थ फॉर हाउ मैनी डेज इज हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है पाँच दस पंद्रह या फिर बीस तो हम लोगों ने इस तरह से याद किया था कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है एक से लेकर दस दिसंबर तक ठीक है एक से लेकर दस दिसंबर तक किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है कमेंट में जल्दी से बताएंगे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा और कौन सा स्टेट है भाई बिल में कौन रहता है बिल में नाग रहते हैं तो नागालैंड ठीक है वो लोग शक्कर रखे हुए थे सेक्रेनी ऑल यांग ठीक है ऑल यांग आओ बोले थे औओ बोले थे आओ ठीक है और और क्या बोले थे मोआत्सु ठीक है मोआत्सु है ना नागिन से बोले था, आओ, आओ, तो आओ मुंह से आओ ठीक है तो मोत्सू कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है औ जो ट्राइब है ठीक है ठीक है और ऑल अंगामी जो ट्राइब है ये इसको सेलिब्रेट करती है ट्राइब भी आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ फेस्टिवल के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक न्यू ईयर ठीक है कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द इस्लामिक न्यू ईयर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मिलादुल नबी मुहर्रम ईदल जुहा या फिर ईद उल फितर सही आंसर होगा मुहर्रम मुहर्रम को एज अ न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इस्लामिक न्यू ईयर के रूप में मुस्लिम कम्युनिटी क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज विजय उत्सव निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है हम्पी फेस्टिवल गंगा सागर पुष्कर कोनार्क डांस फेस्टिवल तो किसको विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है तो हम्पी जो फेस्टिवल है ठीक है आपको पता है जो हम्पी है अभी तो नहीं पता होगा शायद बिकॉज हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी नहीं है हम्पी कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की जो हम्पी थी वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी राजधानी थी और वहाँ पे जब विजयनगर किंगडम ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था जब वहाँ पे जीत हुई थी उनकी तो उत्सव मनाया गया था जिसको हम हम्पी उत्सव के रूप में फिर विजय उत्सव के रूप में भी जानते हैं हम्पी फेस्टिवल को ठीक है ऑप्शन नंबर ए बाकी क्या है ठीक है गंगा सागर पुष्कर पुष्कर ये सब तो आपको पता है पुष्कर कहाँ पे होता है पुष्कर आपका राजस्थान में ठीक है पुष्कर और कोनार कहाँ पे होता है ये कौन बताएगा इस तरह से हमने याद किया था ये होता है आपका उड़ीसा में ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं नाइन्थ तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड एज द तिब्बतन न्यू ईयर निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोशांग लोसर म्योको या फिर मुरुंग बताइए लोहांग अच्छा लोहांग है लोसर कहाँ का होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसको हम अरुणाचल में सेलिब्रेट करते हैं सिक्किम में भी लद्दाख में भी ठीक अगले क्वेश्चन पे आते हैं वेर इज सैर ए गुल फरोशन फेस्टिवल हेल्ड सैर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है मसूरी मुंबई दिल्ली या फिर शिमला ठीक है ये गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये ना तो मसूरी है ना तो मुंबई है ना तो शिमला है आंसर इसका है दिल्ली ठीक है दिल्ली है ठीक है दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है सैर ए गुल फरोशन बिल्कुल सबका सबका तो सही नहीं है कुछ लोग मसूरी बोल रहे हैं कुछ लोग अपना <laughs> कुछ ना ना शिमला नहीं होगा दिल्ली ही होगा इसका ठीक है सैर ए मतलब भी होता है इसका मतलब आई थिंक होता है फूल वालों की सैर ठीक है इसका जो लिटरल मीनिंग होता है इसका मतलब होता है फूल वालों की सैर इसका लिटरल मीनिंग ये होता है अगले क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ सेलिब्रेटेड एज दी न्यू ईयर इन तमिलनाडु नए साल नौ वर्ष के रूप में तमिलनाडु में किसे मनाया जाता Pongal, Puthandu, है पोंगल पुथांडू उगाड़ी या फिर ओनम तो पोंगल तो हमने देखा था न्यू ईयर है ही नहीं पुथांडू तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही पूछा उगाड़ी आंध्रा का है और ओनम भी न्यू ईयर नहीं है ओनम है तो वैसे कहाँ का केरल का है ठीक है पोंगल कहाँ का है ये फेस्टिवल तमिलनाडु और केरल दोनों का है बट मेनली तमिलनाडु का है ठीक है ओनम कहाँ का है केरल का है केरल का न्यू ईयर क्या है विशु है महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा पोला बैशाख वेस्ट बंगाल का नवरोज या फिर पटेटी पारसी कम्युनिटी का है और लोसर हमने देखा तिब्बतन कम्युनिटी का है बंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ तो द फॉलोइंग ट्राइब्स उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है तो भील गारो थारू या फिर भूटिया ट्राइब तो हमने अभी देखा था और पिछले लेक्चर में देखा था गाला से गारो गारो ट्राइब और इसको हम फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं ठीक है फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स के नाम से भी इसको जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन उगाडी सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट उगाडी गाड़ी में गई थी ठीक है गाड़ी आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल है एज पर हिंदू कैलेंडर उगाड़ी फेस्टिवल इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स बताइए उगाड़ी किस मंथ में होता है अब आपके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन क्यों क्योंकि आपको पता है उगाड़ी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है और मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यू ईयर फेस्टिवल हैं चाहे उगाड़ी हो चाहे पुथांडी हो चाहे गुड़ी पड़वा हो चाहे पोला बैशा हो चैत्र के महीने में यानी मार्च अप्रैल के महीने में इनको सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कगेड डांस अ कस्टमरी डांस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन सिक्किम फॉल्स इन विच मंथ जो कगेड डांस है वो किस महीने में पड़ता है कगेड एक्चुअल में डांस भी ये पिछले लेक्चर हमने देखा था और ये एक फेस्टिवल भी है ठीक है जो कगेड डांस फेस्टिवल के नाम से इसको जानते हैं ये होता है आपका अक्टूबर में ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अक्टूबर के महीने में होता है ये आपका कगेड डांस अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब अगला क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है एक सेकेंड ये अक्टूबर में नहीं होगा ये ठीक है दिसंबर हो गई है ऑप्शन नंबर सी जितने भी ज्यादातर हमारे ये इधर के फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट के दिसंबर के टाइम में होते हैं जैसे अभी हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल देखा था एक से लेकर दस दिसंबर वैसे ये भी आपका दिसंबर में ही होता है एक्चुअली मैं पता है कंफ्यूज़ कैसे कर गया कन्फ्यूज़ क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि जो ये फेस्ट ये जो डांस होता है फिर ये फेस्टिवल होता है ये टेंथ मंथ में होता है लेकिन वो जो टेंथ मंथ है ना वो सिक जो तिब्बतन कैलेंडर है जो तिब्बतन कैलेंडर है उसके टेंथ मंथ में होता है बट जो हमारा उनके टेंथ ते, मंथ ये इंग्लिश में दिसंबर के टाइम पर पड़ता है ये ठीक है चलो और कगेट डांस कब किया होता है कगेट एक फेस्टिवल होता है और जो हमारे बाकी भी हमने जो फेस्टिवल देखे थे जैसे कि लो सूंग ठीक है लो सूंग फेस्टिवल देखा था इसमें होता और एक चीज़ ध्यान रखना एक लाभ सोल करके भी फेस्टिवल होता है सिक्किम का लाभ सोल वो भी सिक्किम का और उस टाइम पे भी कगेट डांस को किया जाता है तो लाभ सोल आई थिंक वहां पे नहीं था तो उसको ऐड कर लें सिक्किम वाले डांस में लो सूंग लो सर लो च लो सर ठीक है और लो दवा से हमने सागा दवा याद किया था और लाभ सोल भी याद करना ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लोक रंग फेस्टिवल ऑब्जर्व लोक रंग तो हमने रंग किस में लगाया था तानसेन सी जी तानसेन जी से बोला था कि अगर आपको अच्छी आवाज़ करनी है तो एक टोना टोटका करना पड़ेगा आपको बूढ़े तानसेन जी से हमने बोला कि रंग लगाओ घड़े में तो घड़े से घड़ल्या और रंग से लोक रंग फेस्टिवल तो ये कहाँ पे था ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश कैसे याद किया था कि रंग लगा के मणि रख के है ना खजू खजूर का रस डाल के रस से रसनवा फेस्टिवल खजूर से खजूरावा फेस्टिवल और इसके मध्य में मध्य से हो गया था मध्य प्रदेश और ना नागमणि से पंचमणि ऑप्शन नंबर डी ठीक है लोक रंग फेस्टिवल कहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द तमिल कम्युनिटी दैट फॉल्स इन द तमिल सोलर मंथ इज कॉल्ड एज तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर मास में आता है कहलाता है क्या तो इसको हम क्या बोलते हैं तमिल सोलर मंथ में आता है करगा ये तो कर्नाटका का है ठीक है ये कहाँ का है कर्नाटका का है बिहू कहाँ का है असम का है और बिहुला कहाँ का है जरा कॉमेंट में बताइए बिहुला ओणम अगर बात करें तो एक केरल का हो जाएगा ठीक है थाई पूम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिल सोलर मंथ में फॉल करता है बिहुला हमारा बिहार का है ठीक है बहू को ला छत पे तो इस तरह से मैंने याद किया था बहू को ला छत पे है ना तो बहुला से बिहुला बिहार का ही है क्वेश्चन नंबर एटीन बाय विच नेम इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा फेमस भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन किस नाम से प्रसिद्ध है महाअष्टमी महानवमी जन्माष्टमी या फिर अक्षय तीर्थ भगवान लॉर्ड कृष्ण जो है हमारे उनका जो बर्थडे है वो किस नाम से फेमस है तो सभी जानते हैं जन्माष्टमी ऑप्शन नंबर सी जरा कमेंट में ये बताएंगे जन्माष्टमी कौन से मंथ में कौन से महीने में पड़ती है ये आपको बताना है हिंदू जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसके महीने अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा सावन के बाद कौन सा महीना आता है जरा कॉमेंट बताइए सावन के बाद ही मनाते हैं ना इसको इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ गुड़ी पड़वा स्पेशली सेलिब्रेटेड गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है तो महाराष्ट्र पंजाब गोवा उड़ीसा तो हमने अभी देखा गुड़ी पड़वा न्यू ईयर फेस्टिवल है महाराष्ट्र का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा और गोवा में हमें थ्री किंग्स की स्टोरी पता है जो थ्री किंग्स सेंट फ्रांसिस जेवियर की चर्च में गए थे ग्रेप्स लेके गए थे कार नहीं मिली थी कार्निवल फेस्टिवल सनबर्न हो गया था सनबर्न बोर्डम हो गया था तो बोन्डोरम फेस्टिवल इसलिए वो उन्होंने बोला लेट्स गो लेट्स गो से शिगमो फेस्टिवल ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बर्थडे ऑफ Prophet मोहम्मद इज़ also सेलिब्रेटेड बाई द नेम ऑफ पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है ईद फितर, रामदान, ईद उलह या फिर मौलिद नबी। तो इसको मौलिद नबी के रूप में मनाया जाता है जो प्रोफेट मोहम्मद जी का जन्मदिन है किस नाम से मौलिद नबी? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज़ ऑर्गेनाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका usually इन जनवरी टू सेलिब्रेट द grandeur ऑफ द टेम्पल्स एट अ यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सा टेम ये फेस्टिवल है जो कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द ग्रैंड ऑफ टेम्पल्स कम्बाला पट्टाडक्कल करगा होयसाला तो कम्बाला नहीं हुआ कम्बाला में आपको ये पता होना चाहिए कम कम्बाला जो फेस्टिवल है इसमें बेफेलो रेस होती है कम्बाला फेस्टिवल जो कर्नाटका में होता है इसमें बफेलो रेस होती है हैं तो सारे ही हैं तो सारे ही कर्नाटका के ही लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा वो पट्टा डक्कल डांस फेस्टिवल होगा पट्टा डक्कल टेम्पल भी हैं कर्नाटका में जिनको कि चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे ठीक है पट्टा डक्कल डांस फेस्टिवल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑर द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल में मनाया जाता है हॉर्नबिल बिल अम्बूबाची वंगाला या फिर सोलूँ तो सोलूँ अरुणा क्या मैं तेरे संग सोलूँ हिस्ट्री के नीचे ठीक है बिल में तो कौन रहता था नाग रहते थे तो नागालैंड अम्बूबाची अब्बू के साथ अब्बू के साथ अली के अबू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था मजूली फेस्टिवल मजूली आइलैंड है एक जोग्रफी में हम लोगों ने पढ़ा था जोग्रफी में क्या पढ़ा था कि जो मजूली आइलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है और वहीं पे उसी के नाम पे मजूली फेस्टिवल का नाम पड़ा वंगाला गारो ट्राइप परफॉर्म करती है मेघालय बचेगा क्या आपका सोलो ठीक है तो अरुणा तेरे संग सोलो संग से संग केन फेस्टिवल तेरे संग ठीक है सोलो से सोलोंग फेस्टिवल इस ट्री से हो जाएगा ड्री फेस्टिवल ठीक है उसने क्या बोला लो सर मेरी पिन पकड़ो तो लो सर मेरी पिन से मो पिन पकड़ो और मेरे पास आओ से पांग सॉ फेस्टिवल तो ये सारे फेस्टिवल हमारे अरुणाचल प्रदेश के एकदम टिप पे रखे हुए हैं ट्वेंटी थर्ड गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज जैन्स एंड बुद्धिस्ट इन इंडिया फॉल्स इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदुओं जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है कार्तिक वैसाख श्रावण या फिर आषाढ़ गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है तो गुरु पूर्णिमा अगर हम बात करें तो जुलाई के पहले हफ्ते में यूजुअली फॉल करती है जैसे इस बार आई थिंक तीन या चार जुलाई को थी गुरु पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा जुलाई के टाइम पे क्या होता है जुलाई के टाइम पे हमारा सावन का महीना चल रहा होता है ठीक है जुलाई के टाइम पे हमारा सावन का महीना चल रहा होता है तो गुरु पूर्णिमा को हम इस टाइम पे या फिर जेठ आषाढ़ आषाढ़ में होगा ये आषाढ़ में इसलिए होगा ठीक है आषाढ़ में इसलिए होगा क्योंकि आषाढ़ होता है जून जुलाई जून जुलाई जब मैं बोलता हूँ दैट मीन कि ये ले लो कि पंद्रह जून से लेके पंद्रह जुलाई तक ठीक है और जैसे अभी मैंने बताया कि जो गुरु पूर्णिमा है वो जुलाई के पहले वीक में ही आ जाती है तो इसलिए आषाढ़ आंसर होगा अगर जुलाई के लेटर हाफ में आती बाद में पंद्रह के बाद तो मैं फिर सावन लगाता बट यूजुअली वो जुलाई पंद्रह जुलाई से पहले ही हो जाता है गुरु पूर्णिमा अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर्थ थिरुवाथीरा इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट थिरुवथीरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है थिरुवतीरा का है हम लोगों ने याद किया था ये था आपका तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही आंसर होगा ठीक है तिरुवतीरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर विद त्रिपुरा इनमें से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है ऑप्शन है आपके वंगाला कांग कांगचिबा बिहू या फिर आपका खर्ची पूजा तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा त्रिपुरा से होगा आपका खर्ची पूजा बिकॉज बिहू असम का है ठीक है वंगाला मेघालय का है तो आसानी से आप न, और इसका तिरुवतीरा किसका केरल लगाना ठीक है केरल होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है तिरुवतीरा, केरल दे लॉस्ट दे बोर्ड रेस ठीक है हाँ ये केरल में हम लोग पढ़े थे ठीक है आई थिंक इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनी थी इसीलिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो गया हम लोग ये केरल का ही होगा हम क्योंकि ये भगवान शिव के लिए को डेडिकेटेड होता ही है ठीक है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेबररी बाई द अंगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड इनमें से कौन सा त्यौहार फेबररी के महीने में अंगामी ट्राइब परफॉर्म करती है सेक्रेनी लोसुंग हॉर्नबिल या फिर मजूली फेस्टिवल तो हमने पढ़ा था ये कौन सा फेस्टिवल है ये सेक्रेनी फेस्टिवल है ठीक है नागालैंड का ही है लो संग तो ये कहाँ का है ये सिक्किम का है मेनली ऐसा नहीं अरुणाचल में बिल्कुल नहीं होता है। कहीं कहीं पे किसी किसी पार्ट में हो जाता है बट मेनली सिक्किम वगैरह का है मजूली तो बिल्कुल नहीं होता है नागालैंड में ये असम का है मतलब बिल्कुल नहीं तो नहीं हाँ अगर कुछ कहीं 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 पर हो जाए तो डजन मीन कि वहाँ का मेजर फेस्टिवल हो गया ये मजूली मेजर फेस्टिवल है असम का ठीक है हॉर्नबिल नागालैंड का ही है बट सेक्रेनीस इसका सही आंसर होगा ये मैंने आपको बताया भी था अंगामी ट्राइब परफॉर्म करती है और कौन सी ट्राइब है जो मतलब आओ ट्राइब कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है आओ ट्राइब ट्वेंटी सेवेंथ इन विच ऑफ दंडियन स्टेट इज डना पोथूला पंडुंगा सेलिब्रेटेड डुन्ना पोथूला पंडुंगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य मनाया जाता है डुन्ना पोथूला पंड पढ़ूंगा तो याद आ रहा है आपको कुछ माँ मैं भथुआ बना लूँ ठीक है भथुआ बना लूँ शाम को मेधा के साथ पढ़ूंगा ठीक है तो पढ़ूंगा किसका तेलंगाना ठीक है ये तो बोला था कि बोनालू फेस्टिवल था यहाँ का पंडुंगा पंडुंगा फेस्टिवल था ठीक है और बाथू बातु, बथुआ कम्मा फेस्टिवल था ठीक है मेधा जात्रा फेस्टिवल था मेधा से मेधा जात्रा फेस्टिवल कहाँ के तेलंगाना के ठीक और आव ट्राइब परफॉर्म करती है हमारा कौन सा और ट्राइब परफॉर्म करती है मोआत्सू फेस्टिवल ठीक है मोआत्सू फेस्टिवल अगले क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेंटी महावीर जयंती इज़ अ मेजर फेस्टिवल ऑफ महावीर जयंती किसका एक प्रमुख त्यौहार है जैंस का सिख का बुद्धिस्ट का या फिर पारसीस का तो सबको पता ही है जैन्स का फेस्टिवल है ठीक है बिकॉज महावीर जो हुए ट्वेंटी फोर्थ चौबीसवें तीर्थांकर है ना वो चौबीसवें तीर्थांकर महावीर जैन धर्म से बिलोंग करते थे और मेन जो संस्थापक थे वैसे तो ऋषभ देव को बोला जाता है जैन धर्म का बट मेन जो प्रचारक थे जिन्होंने इसको जैन धर्म को इतना प्रचार प्रसार किया वो हमारे महावीर जी थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फुगड़ी अ गोवन फोक डांस परफॉर्म्ड इन दी कौनकन रीजन इज परफॉर्म्ड जनरली ड्यूरिंग विच आर द फॉलोइंग हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल फुगड़ी कौनकन क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का लोक नृत्य है जो तौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है दिवाली होली दुर्गा पूजा या फिर गणेश चतुर्थी ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कब होता है किस फेस्टिव मतलब किस फेस्टिवल से क्लैश करता है तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने दिमाग को यूज़ करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए फुगड़ी ये तो सबको पता है गोवा का है अब दिवाली है होली है दुर्गा पूजा गणेश चतुर्थी तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करूँगा और ये यहाँ पे मैं ये कुछ इस्तेमाल करूँगा कि जो फुगड़ी होता है ठीक है जो फुगड़ी होता है ये गोवा में होता है और गोवा के पास पड़ता है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल कौन सा प्रमुख त्यौहार है वहाँ का गणेश चतुर्थी है कि नहीं महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन सा है गणेश चतुर्थी तो वही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अगले क्वेश्चन पे आते हैं थर्टीएथ गंगौर इज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया गंगौर गंगौर गौरी जी के लिए जो समर्पित है भगवान पार्वती जी के लिए तो ये महार, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान मध्य प्रदेश ऑप्शन में है नहीं तो फिर राजस्थान होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ शुख माई सेम एसोसिएटेड किससे एसोसिएटेड है ये बिल्कुल सही है अप्पू सिंह कुमकुम राहुल गहलावत पल्लवी शाह पुनीत पाल बेंजामिन नितिन बेंजामिन बेनजामिन न्याह से बेंजामिन नितिन हो गए चलो अभी तो पुतिन की मौज लेते तुम की तो हम लोग अब बेंजामिन नित न्याह की मौज लेने लगे हैं तो हम लोगों ने किस तरह से याद किया था कि सारे सुख किसको प्राप्त है मेघालय वासियों को क्योंकि यहीं पे सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है मानसून की और सारे सुख यहीं के लोगों को मिले हुए हैं तो शद सुख कहाँ का है मेघालय का विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया एसोसिएटेड भगोरिया भागा जल्दी से तानसेन से बोला था मध्य में डाल के किसको जो मटका था हमारा घड़ा था है ना तो भगोरिया कहाँ का हो जाएगा मध्य प्रदेश का मध्य में डाल के हमने भाग के आने के लिए बोला था लरुकज लरुकज लरु इज़ अ फेस्टिवल परफॉर्म्ड प्राइमरिल बाई सेलिब्रेटेड बाई दी गोंड ट्राइब ऑफ विच स्टेट तो लरू का जैसे तो गौन ट्राइब अगर हम बात करें तो कहां पे आपको प्राइमरली देखने को मिलती है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका वैसे हम लोगों ने किया नहीं है बट अभी हम लोग स्टैटिक जीके में जब ट्राइब वगैरह भी करेंगे तो वहां पे देखेंगे तो जो गौन ट्राइब है प्राइमरली यहाँ पे सेंट्रल जो हमारा इंडिया है वहां पर रिसाइड करती है खासकर मध्य प्रदेश में द कस्टम ऑफ डेकोरेटिंग एक्स इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान प्रचलित है तो ये ईस्टर करके एक त्यौहार होता है अंग्रेजों का ठीक है ये हमारे इंडिया में तो होता नहीं क्रिश्चियंस परफॉर्म क्रिश्चियंस मनाते हैं इसको ईस्टर मतलब अंडा वंडा पता नहीं मुझे तो ज़्यादा इसके बारे में पता है नहीं बस इतना पता है कि ईस्टर में कुछ अंडा वंडे को सजाते लोग हैं अंडे के शेप में कुछ ठीक है अगला क्वेश्चन है समक्का सरक्का जात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया चमक्का सरक्का जातरा शाम को पढ़ लूँगा मैं ठीक है शाम को सॉरी तेलंगाना ठीक है शाम को पढ़ लूंगा तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना बोनालू इज़ अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेटेड किसने सोचा था छत्तीस मड़ई थे छत्तीस मड़ई थे जिन्होंने पहले सोचा और फिर बोला सोचा और फिर बोला कि हम क्या करेंगे हम दशहरा बस्ता लेके बस्ता लेके छत में दशहरा मनाएंगे ऐसे करके तो छत से छत्तीसगढ़ हो गया या फिर ठीक है ऐसे याद कर सकते हैं दशहरा मनाएंगे छत से छत्तीसगढ़ हो गया और हरेली खाएंगे ठीक है तो हरेली से हरेली दशहरा से बस्तर दशहरा बस्ता दशहरा से बस्तर दशहरा बोला से पोला फेस्टिवल सोचा से गोंचा फेस्टिवल मड़ई से मड़ई फेस्टिवल ख़त्म ऑप्शन नंबर है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दी निशान गांधी या फिर निशा गांधी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड तो हमने किस तरह से याद किया था पूरन लड़का था वासु था और निशा लड़की थी इन ये तीनों पेन में थे क्योंकि दे लॉस्ट दे लॉस्ट क्या बोट रेस ऑन ऑन मकर संक्रांति तो किस तरह से याद किए थे हम लोगों ने हम लोगों ने याद किया था थ्रिसरपुरम विशु निशा गांधी ठीक है पेनकुनी थेम बो, वल्लमकली बोटरेस ओणम मकरविलाकू और एक और था गुरुवायूर एकादशी ठीक है गुरुवायूर एकादशी फिर ये क्योंकि सभी पेन में थे तो इन सबको गुरु के पास ले जाया गया ठीक है तो गुरु वायु एकादशी ये सीजियल दो हजार तेईस में पूछा गया छब्बीस जुलाई थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन्थ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चपचार कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मीम कुट चपचार कुट बिस्कुट मिजोरम ऑप्शन नंबर डी ठीक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द याओ शांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड या शांग याओशांग से कुछ याद आ रहा है आपको जैसे ही उस छोटी लड़की के पास मनी आई थी वो अपने संग क्या लाई थी वो अपने संग डॉल लाई थी अपने संग डॉल लाई थी और क्या लाई थी ठीक है लाई थी और कुछ चेरी भी लेके आई थी चेरी भी लेके आई थी फिर नहाई जाके वो फिर वो नहाई जाके कहाँ नहाई जाके हिंडन में जाके नहाई इस तरह से हमने सारे याद किए थे यहाँ के मणिपुर के तो भाई मणि मनी से मणिपुर डॉल से डॉल यात्रा संग से यावशांग ठीक है डॉल यात्रा और यावशांग एक ही बात है लाई से लाई हरोबा और चेरी से चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम मेघालय का भी है नहाई से नगाई यानी कि जहाँ पे भी लू नई कुछ भी नगाई दिख जाए मणिपुर आंसर होगा और हिंडन से हिंडोन का करके वो एक था हमारा फेस्टिवल ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर द चेरा पन्हारा रिचुअल इज एसोसिएटेड विथ चेरा पन्हारा किससे एसोसिएटेड है क्या हो गया चलो तो क्वेश्चन क्या है कि चेरा पन्हारा जो रिचुअल है वो किस पर्टिकुलर फेस्टिवल से एसोसिएटेड है तो बैसाखी दुर्गा पूजा नवरात्रि या फिर रथ यात्रा जो उड़ीसा में निकलती है तो जो हमारी रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ जी के लिए उड़ीसा में उससे एसोसिएटेड है बस अभी पाँच छः क्वेश्चन और बाकी हैं ठीक है थीके? उसके बाद खत्म है तो उड़ीसा में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ के कि फेस्टिवल किस तरह से याद किए थे कि छ खाई या नौ खाई ये कौन बताएगा ये कलिंग के राजा जो रथ में बैठे हुए हैं दिशा के साथ वो बताएंगे दिशा से उड़ीसा ठीक है तो छः से छऊ नौ खाई से नौ खाई कौन से कोनार्क बताएगा बाल यात्रा कलिंग से कलिंग महोत्सव और बताएगा जो रथ से रथ यात्रा ठीक है तो ऑप्शन नंबर और राजा से राजा परबा फेस्टिवल ये सारे फेस्टिवल उड़ीसा के हैं और इसके डांसेस कैसे याद किए थे उड़ीसा के हम लोगों ने उड़ीसा के डांसेस याद किए थे कि पुआ खाई या दाल खाई आ, पुआ खाई दाल खाई और भाग डंडा लेके भाग के नाचा तो गोती पुआ दाल खाई भाग नाचा डंडा नाचा ये हम लोगों ने उड़ीसा के डांसेज याद किए थे द इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज़ यूजली हेल्ड इन अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ पे होता है तो सैंड कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको कोस्ट में है ना और सैंड आर्टिस्ट जो हमारे क्या नाम है उनका पटनायक करके हैं वो हमारे कौन क्या नाम है उनका सैंड आर्टिस्ट देवदत्त पटनायक नहीं सुदर्शन पटनायक ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा जो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है वो भी हमारा उड़ीसा में होता है बैशागु फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया बैश ठीक है बाई बाई आ रहा है यहाँ पे तो हम लोगों ने असम के फेस्टिवल इस तरह से याद किए थे कि असम की बहू ने ठीक है असम की बहू ने अपने बाई को पटक पटक के मारा क्यों क्योंकि उसको या फिर अपने बहू अपनी बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया ठीक है तो रंगीन से हमने रंगकेर याद किया था और जरा आप कमेंट में ये बताएंगे कि जो रंगकेर फेस्टिवल है इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है ठीक है तो असम से असम बहू से बिहू हो गया था हमारा बाइको से बाइको फेस्टिवल और बाइशागो फेस्टिवल पटक पटक से दहिंग पटकाई अली से अली अली गांग फेस्टिवल अब्बू से अम्बूबाची फेस्टिवल ठीक है और मजूली फेस्टिवल राम केर जो फेस्टिवल है उसको करबी ट्राइब परफॉर्म करती है और बैसागो फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा असम का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 44 द फेस्टिवल ऑफ सलहेश इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ सलहेश का त्यौहार किस राज्य मनाया जाता है तो भाई हमने सैलेश से बोला था कि बहू को ठीक है बहूला ठीक है बहू को ला छत पे शाम को इस तरह से हमने याद किया था तो सलहेश कहाँ का हो जाएगा बिहार का ऑप्शन नंबर डी बिहुला भी ऐसा बिहार का हो जाएगा छठ पूजा भी है जो है वो बिहार की हो जाएगी ठीक है क्वेश्चन फोर्टी फिफ्थ विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेट्स द फ्लोट फेस्टिवल इनमें से कौन सा फ्लोट फेस्टिवल मनाता है तो हमने किस तरह से याद किया था कि जो अंजलि है अंजलि उसको कट्टू कर लिया था ना कुत्ते ने तो वो क्या हो गई थी पागल हो गई थी और पागल होने की वजह से वो क्या कर रही थी थाईलैंड गई और वहाँ पे जाके फ्लोट करने लगी तैरने लगी तो नाट अंजलि ठीक है जल्लीकट्टू पोंगल थाई पूसम और फ्लोट फेस्टिवल कहाँ के तमिलनाडु के ऑप्शन नंबर ए 46 बस दो तीन क्वेश्चन और अम्बुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड या फिर इज हेल्ड इन विच टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है दक्षिणेश्वर काली बिलेश्वर भुवनेश्वर या फिर कामाख्या तो मैंने आपको बताया था ये असम का जो कामाख्या टेंपल है वहां पे इसको परफॉर्म किया जाता है अंबुबाची मेला को ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही आंसर होगा क्वेश्चन फोर्टी सेवेंथ पंचमी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर नाग पंचमी किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है तो नाग पंचमी किस महीने में होती है तो भाई नाग नाग कब निकलते हैं नाग निकलते हैं भाई जब बारिश होती है बारिश कब होती है सावन में होती है तो ऑप्शन नंबर ए सिंपल है ना सावन के टाइम पे ही तो नाग पंचमी होती है जब सांप आप निकलते हैं ऑप्शन नंबर तब उनको दूध रखा जाता है क्या मतलब सर हमको भी रखा जाता है सावन के टाइम पर है <laughs> ना बाणगंगा फेस्टिवल टेक प्लेस एनुअली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन महाराष्ट्र बाण गंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है बाण गंगा बाणगंगा महाराष्ट्र का है और मैंने आपको यह भी बताया था ये मुंबई में होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 49 नाइन गुरुवायु एकादशी इज द कल्चरल फेस्टिवल इन विच ऑफ़ द इंडियन स्टेट तो गुरु वायु एकादशी ये किस स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है तो गुरु वायु एक एकादशी केरल में हमने इस तरह से याद किया था कि जो पूरन था है ना पूरन वासु और जो पूरन वासु और निशा ये क्योंकि पेन में थे उसके बाद ये गुरु के पास गए ठीक है क्लियर और यहां पे और कुछ और कुछ चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन होंगे तो वो आप आपका होमवर्क होगा ठीक है क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ माघा साजी माघा साजी के नाम से कहां पे सेलिब्रेट होता है मकर संक्रांति पंजाब उत्तराखंड झारखंड या फिर हिमाचल तो ये हमारे लिए बस आई थिंक यही नया क्वेश्चन अभी तक रहा है बाकी तो जितने भी हम लोगों के क्वेश्चन रहे हैं वो हम लोगों ने जो अभी चीज़ें करी हैं पढ़ी हैं उससे ही सारे क्वेश्चन हो गए हैं बट ये क्वेश्चन एक, एक एक्स्ट्रा है तो माघा साजी हिमाचल प्रदेश में होता ही है मकर संक्रांति को वहाँ पे माघा साजी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ठीक है चलिए और हमने इसके यहाँ के वो किस तरह से याद किए थे आ, फेस्टिवल तो हमने याद किया था हिम की परी को हिम की परी को सजा दो साजो फेस्टिवल सजा क्यों दो क्योंकि कलिंजर है ना कलिंजर के राजा आ रहे थे किससे सजाना था फूलों से सजाना था ना तो फूल पत्ती करके हमने याद किया था और और किससे सजाना था और, और हम लोगों ने क्या याद किया था <laughs> क्या पूरी हम लोगों ने ट्रिक याद करी थी इसमें हिमाचल के फेस्टिवल को याद करना हाँ हल्दी से सजाना था ठीक है हल्दी से तो हल्दी से आपका हल्दा फेस्टिवल ठीक है हल्दा फेस्टिवल याद किया था लोसर भी यहीं का हो जाएगा और साजो तो हो ही गया है परी भी हो गया परी और हाँ फूल याद किया था फूल तो फूल से फूलइच फेस्टिवल यही थे हमारे किसके हिमाचल के आप कितने क्वेश्चन हैं नौ क्वेश्चन और हैं तो ये आपके होमवर्क वही सेम बार बार वही सेम आप रिपीट होंगे करिया जितने भी पूजा थे है ना गरिया पूजा सब कहाँ के थे त्रिपुरा के थे सिंपल ठीक है तो ये सब आप अटैम्प्ट करके लाएंगे इसकी पी आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं जो लोग बैच में अनरोल्ड होंगे ठीक है तो उनको वहाँ पे टेलीग्राम पर ये पी मिल जाएगी दोनों की ये जो हम लोगों के क्वेश्चन हैं और जब भी हम लोगों ने किया और प्लस हैंड रिटेड नोट्स भी ठीक है चलिए किसी कोई डाउट तो नहीं है <laughs> आज स्कूल से पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे अल्लाह काट रहे हैं कुछ ऐसे ही समझ सकते हो देवेश स्कूल से ही पढ़ा रहे मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं वहाँ से भी क्लास नहीं ले रहा हूँ जहाँ से मैं रोज़ लेता हूँ ड्यू टू सर्टेन ईशूज़ ठीक है अब शूज़ तो ऐसे आते रहते हैं इसीलिए अब क्लास इवनिंग में होगी ठीक है ये क्लास जो है आप अब आपको इवनिंग के टाइम पे हुआ करेगी जो इवनिंग में डेली पुलिस की मिलती है वो मॉर्निंग में मिलेगी जैसे कल जो आज डेली पुलिस वाली मिलनी है वो, वो मॉर्निंग में मिलेगी कल सुबह मिलेगी और इवनिंग के टाइम पर क्लास हुआ करेगी इवनिंग में इवनिंग में ये क्लास सिक्स थर्टी पी हुआ करेगी साढ़े छः बजे ये क्लास अब से शेड्यूल्ड है आपकी जो भी ये मॉर्निंग में क्लास होती है बैच वाली बिकॉज आपको डिस्टरबेंस होता है सोचिए मुझे कितना डिस्टर्बेंस होता होगा इधर उधर के साउंड से लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन बना के चलता हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो ठीक है सर दीपावली का होमवर्क दे दो क्यों नहीं अनिल होमवर्क भी मिलेगा जल्दी लेकिन अभी जब दीपावली का होमवर्क तो तब मिलेगा ना जब छुट्टियाँ होंगी अभी छुट्टियाँ कहाँ हुई हैं दीपावली की आपकी बिल्कुल सफिशिएंट है प्रभात ठीक है बिल्कुल सफिश एस के लिए बोल रहे हैं है एस एस का तो है ही, ही है ठीक है तो एस के का चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी के लिए सफिशिएंट है इवनिंग में होगी क्लास बिल्कुल बिल्कुल ए के जी आई एम एक्वेरियस चलिए तो मज़ा आया कि नहीं पढ़ के ये बताइए सभी को याद हो गए फेस्टिवल ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा ठीक है इट <laughs> इज़ एक्सक्लूसिव वीडियो चाहे वो क्लासिकल डांस वाला हो चाहे डांस चाहे फोक डांस वाला हो चाहे ये वीडियो ऐसी सारे स्टेट के लिए सारे फेस्टिवल के लिए ट्रिक है आपके लिए और ट्रिक भी ऐसी है कि जो आपको तुरंत याद करवा देगी फर्जी की काम चलाऊ टाइप ट्रिक नहीं है अब अरुणाचल प्रदेश का आप भूलेंगे अरुणा ठीक है अरुणा साहब कभी भूल सकते हैं हैं कि मेरे पास आओ ठीक है इस तरह से आप कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे आप ठीक है तो ये काम आपका है कि रिवीजन करना है आपको बाकी तो मैंने आपका अपना काम कर दिया अपने साइड से कि जो सेलेक्टिव डांस क्लासिकल डांस सेलेक्टिव एक्सपोनेंट उनके सेलेक्टिव फोक डांसेस सेलेक्टिव फेस्टिवल सब कुछ मैंने आपको सेलेक्टिव करवा दिया है प्लस सब के लिए एक एक ट्रिक दे दी है अब याद करना आपका काम है इससे आसान और कुछ अब हो नहीं सकता है मेरी तरफ से ठीक है चलिए भाई थैंक यू सभी को ताकि ये पी तो लोग बैच में एनरोल्ड हैं उनको मिल जाएगी और बच रिगार्डिंग जल्दी इनफॉमेशन आएगी जो लोग एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं नेक्स्ट बैच भी जल्दी आने वाला है अगर उसमें करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं कंटेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा मैं बता दूँ ठीक है अब मैं ये बोल दूँ कि नहीं कॉन्टेंट तो एकदम चेंज हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है माइनर से चेंजेस होंगे ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा तो अगर आपसे एक महीने का वेट नहीं होता है तो फिर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं परमार अकेडमी ऐप पर जाके कोई कूपन कोड नहीं है राइट नेक्स्ट क्लास कल या परसों में होगी देखते हैं जब जब भी होता है कल होगी